चला गया वो देश रुपए में, चेक करना क्या खोल के अंदर देख लिया आवाज खोली। अरे तुम ना कुछ कहो तो भी बताएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में सभी का दिल खोलकर स्वागत है। फटाफट से सभी बच्चे आते ही एक बार शेयर करके आ जाओ इस शानदार सी क्लास में, जिसे हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट ऑप्टिक्स का रिविजन। बहुत तेजी से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सभी का स्वागत है। सभी लोग एक बार फटाफट से ये अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करके आ जाओ। 2 सेकंड का समय है, आते ही लाइक कर अपनी प्रेजेंट बताओ और शेयर करके आ जाओ। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई एग्जाम का जो लास्ट टाइम है, फिनिशिंग टच देने का समय है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, शेयर करके आ जाओ एक बार फटाफट से। अब फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा नहीं आ रहा है, जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर मजा आएगा। देखो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को बहुत तेजी से, बिना आपका ज्यादा समय लिए। बस आपको क्या करना है भाई, शेयर करना है ना, वो तो आपको करना पड़ेगा। देखो सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर करेंगे। और मैं बार बार आपसे इन चीज़ों पर बात करने की बजाय सवाल पर बात करना पसंद करूँगा। और ठीक है, ठीक है भाई, एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है पूरी तरीके से। ठीक है, एक बार सभी लोग बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करें ना। कैसा ना हो कि भाई हम बिल्कुल पढ़ाते चले जाएँ, फिर पता लगा वॉइस नहीं आ रही है कुछ, है ना। ठीक, एक बार सभी लोग बताओ सब ऑल क्लियर, ऑल सेट, स्टार्ट करें। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, वर्दी तो पाना है, चाहे एक दिन भी हो, है ना, चाहे एक दिन की भी हो, नहीं एक दिन की नहीं, परमानेंट के लिए मिलेगी भाई, है ना। मेहनत करेंगे तो परमानेंट के लिए मिलेगी। ठीक है, अभी तो अंदर जाएंगे, फिर परमानेंट भी होंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये वाला देखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चा, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। एट 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है फोकल दूरी, और अवतल दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। मुझे एक बार बताओ तो वस्तु पर, वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसी कंडीशन बनेगा, ये पूछा हुआ है। पहला ही सवाल बिल्कुल जहर लेवल का, बहुत मजेदार लेवल का, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। बेटा एक बार बताओ, कॉनकेव मिरर की बात करेगा तो बेटा v बराबर, यहाँ पे क्या दिया है, u दिया है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी है, देखो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर तो हम माइनस नहीं लेते, आदि मैंने यहाँ पे बताया बच्चा क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक, फोकस दूरी कितनी दी है, आप कहेंगे चलिए फोकस दूरी भी नेगेटिव लेते हैं, कितनी लेते हैं, माइनस में 10 सेंटीमीटर लेते हैं, मतलब हमें v निकालना है और v निकाल के देखना है एग्जैक्टली बन कहाँ रही है इमेज। ठीक है भाई, चलो हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है कि नहीं होता, 1/u होता है। मैं अगर 1/v निकालने जाऊंगा यहाँ पे, 1/v बराबर मैं क्या कर दूंगा, 1/u माइनस 1/f कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अभी देखना आगे सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे फटाक से। देखो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/f का, u का मतलब कितना है, माइनस में 20, और फिर माइनस एफ, देखो माइनस 10 रखेंगे, माइनस 1/10 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, माइनस 20 ऊपर आ गया, 2 20 से एक बार जाएंगे, हमारा एक बार जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 20 माइनस 2 हो जाएगा। मुझे एक बार बताओ v बराबर मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया है v बराबर में 20 सेंटीमीटर आ गया। मुझे एक बार बताओ v बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया, और कितना, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही वस्तु रखी थी। इधर देखना, एक ऑब्जेक्ट है भाई, है ना, एक कॉनकेव मिरर है, क्या है भाई, कॉनकेव मिरर है, इससे बेटा 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ये क्या है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी थी और यहीं पर ही इसका इमेज बन गया, क्या यहीं पर ही इसका इमेज बन गया। ये किस कंडीशन में होता है, ये उस कंडीशन में होता है जब बेटा क्या, जब वस्तु कहां पर रखी जाए, वक्रता केंद्र पर रखी जाए, कहां पर रखी जाए, वक्रता केंद्र पर। देखो वी भी 20 सेंटीमीटर और यू भी 20 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि वी और यू मतलब बराबर आई है, वस्तु इमेज वहीं पर बन रही है जहां पर वस्तु रखी गई है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब हम दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु, तभी वक्रता केंद्र पर ही हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, विल बी फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनी है। मेरी बात को समझ पाए हो, मुझे बताओ सभी लोग समझ पाए कि नहीं, कोई दिक्कत हुई आपको,
कोई दिक्कत नहीं ना भाई, सभी लोग समझे, किसी को दिक्कत हुई तो बताओ, सर डाउट बता दो सर मुझे, है ना, कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, कोई भाषा भी डाउट हो तो आप मुझे फटाक से बताएंगे बिना किसी हेजिटेशन के, समझे भाई, सभी लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं, सभी ने दिया है, बहुत बढ़िया भाई, डी दिया है, आग लगा दी भाई आप सभी ने। देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत बढ़िया भाई, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, बेटा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला है हमसे, वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी होगी, भाई बहुत बढ़िया, हमसे फिर भी पूछा है, तो मुझे बता दो भाई, फटाक से बता दो सभी लोग, और अभी देखो आप सभी ने शेयर नहीं किया ना, अभी आप सभी ने शेयर नहीं किया है तो भाई मजा नहीं आ रहा ना, फिर मजा नहीं आ रहा है, शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है, सभी को डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। देखो हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन का जवाब तेजी से आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, दर्पण की देखो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, मतलब क्या हमें वी पूछी है, कहां पे इमेज हमारी फॉर्म हो रही है, देखो हम जानते हैं 1/f बराबर, यहां पे दिया क्या है भाई, फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, मतलब क्या हमारे पास u बराबर -20 सेंटीमीटर दिया है, दिया है कि नहीं, फोकस दूरी कितनी दी गई है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, हमें क्या निकालना है बेटा, v निकालना है, तो 1/v बराबर क्या कर देंगे, 1/f माइनस 1/u कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1/f का मतलब है 1/20, और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ भैया सभी लोग सॉल्व करके बताएंगे, यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस में देखो माइनस में कितना, 1/u माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/20 बराबर 1/v, मैं यहां से v निकालने जाऊंगा तो 20/2 कितना आएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा भाई, 10 सेंटीमीटर नहीं आएगा, किसी ने 10 सेंटीमीटर निकाला कि नहीं निकाला भाई, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा, बहुत आसान सवाल था, चूंकि ऐसे सवाल बेटा आपके एग्जाम में काफी आते हैं ना, तो मैंने आपको शुरुआत इन्हीं से करी है। चलो भैया अब देखो क्वेश्चन बढ़ा हमारा, धीमे धीमे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते जाएंगे। जब क्या बोला, एक वर्णी प्रकाश निर्वात से, क्या बोला, निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में, मतलब क्या है, वैक्यूम से किसी मटेरियलिस्टिक मीडियम में जा रहा है, ठीक है, मटेरियल मीडियम मटेरियलिस्टिक होना चाहिए वैसे तो, है ना, देन विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बिकम्स डज नॉट चेंज, मुझे एक बार बताओ बेटा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनर में और हमने बहुत बार पढ़ लिया है, क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी अनचेंजेबल है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, चेंज नहीं होती। अच्छा भाई बताओ वेग क्या होगा, देखो मैं आपसे बात करता हूं, अगर वेग पूछ ले, देखो अगर वेग, अगर हम बेटा हम डेंसर मीडियम जा रहे हैं, कहां से, अगर हम जा रहे हैं रेयरर टू डेंसर, मतलब रेयरर टू डेंसर का जाने का मतलब क्या है, मेरी बात को समझना, यहां पे क्वेश्चन वेरिएट करेगा, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, वेवलेंथ बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंड करता है कि हम किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं। मैं बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, लड़के हमेशा घटी वाली रट्टा मार के जाते हैं, लेकिन अगर हम डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं, अच्छा जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, आज हमने ये किसकी बात करता है, ये हमारे रिफ्रैक्शन की बात करेगा, अपवर्तन के गुण को बता रहा है ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन अब मुझे बताओ अपवर्तन किस पर बेस्ड है, मैंने अभी आप एपोलो को बताया बेस्ड है डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, है ना, घनत्व के अंतर पर। अब मेरी बात समझना, अगर वेलोसिटी हमारी कैसे जा रही है, रेयरर टू डेंसर, मतलब सघन से विरल से सघन जा रही है ना, रेयरर टू डेंस मीडियम में जा रही है, तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, किसी भी मीडियम में निकालनी है, आप क्या करो वेलोसिटी इन एयर अपॉन एन कर दो, क्या कर दो, वेलोसिटी इन एयर अपॉन एन कर दो, ठीक। आपको कभी भी लेमडा मीडियम में निकालना है कि सर जी पानी में निकाल दो, है ना, वायु में निकाल दो, आसमान में निकाल दो, है ना, कहीं भी निकाल दो, लेमडा मीडियम निकालना है, आप क्या कहेंगे सर जी लेमडा एयर अपॉन में एन, एन बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझे मेरी बात को, समझे बेटा, समझे कि नहीं समझे, चलो भैया सभी लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई सभी लोग दे दिए, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन को समझना, गलती कोई नहीं करेगा, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, है ना, फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाए, लेकिन क्यों, क्योंकि भाई दिक्कत होकर क्वेश्चन नहीं आनी, केवल फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है। मुझे एक बार पहले फटाक से ये बताओ, क्या क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल है, है ना, क्या फॉन्ट यहाँ पर दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं आपको दिखने में, ठीक बताएंगे। चलो कोई प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है, मैं एक बार अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूँ क्या बच्चों को दिख रहा है पूरा तरीके से, ठीक, क्या बच्चों को पूरी तरीके से दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। देखो अभी भी एक नंबर क्वेश्चन, देखो एक नंबर में माइनस बी होगा, अच्छा एक नंबर में क्या होगा, एक नंबर कहाँ चला गया भैया, एक नंबर में कितना चला गया, एक नंबर कहाँ गया,
एक नंबर में, सॉरी भैया, अरे भैया यहाँ पे एक माइनस दो माइनस हो जाएगा, ठीक ठीक कोई बात नहीं, ठीक कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस आएगा, मान गया भाई आपकी बात को मैं मान गया, माइनस बीस होगा। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अरे भैया देख लिया सचिन भैया, ठीक चलो दिख रहा है ना, ठीक ठाक दिख रहा है। चलो अब देखो क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी के अवतल के दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। फिर हमसे क्या बोला है बेटा, क्या बोला है हमसे, दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर क्या कर दें, हम उसको स्थानांतरित कर दें दर्पण की दिशा में। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, मेरी बात समझना, ये हमारा प्यारा सा कॉनकेव मिरर है बच्चों। क्या है ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है भाई हमारा पोल है ना, ये क्या है पोल है, ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र, ठीक। क्या बोला है 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ये क्या है भाई, ये तुम्हारी फोकस दूरी है। वस्तु तुम्हारी देखना, पहले ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूरी पर था, पहले ऑब्जेक्ट हमारा मान लेते हैं ये 40 सेंटीमीटर दूरी पर था, ठीक है। ये हमारा क्या था, U1 मान लेते हैं, U1 मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर दूरी पर था, ठीक। तो बेटा अगर इतना इस बिंब को, बेटा क्या, अगर इसके बिंब को, क्या मतलब इस प्रतिबिंब को, क्या बोला है इस बिंब को, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को ना, इसी ऑब्जेक्ट को, बीम को मतलब ऑब्जेक्ट, क्या देखो यहाँ पे लिखा होगा बेटा क्या है, इफ इमेज इज शिफ्टेड बाय 20 सेंटीमीटर, बेटा इमेज कैसे शिफ्ट होगी बेटा, ऑब्जेक्ट होगा है ना, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे इमेज मत बोलो, यहाँ पे इमेज की जगह ये बोलो ऑब्जेक्ट, इफ दिस ऑब्जेक्ट, बेटा ऑब्जेक्ट करेंगे नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब क्या, हमने ऑब्जेक्ट को यहां से क्या कर दिया 20 सेंटीमीटर खिसका दिया, मतलब कहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया। तो आपसे पूछा है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी, तब पूछा है इमेज कितनी दूर शिफ्ट हो जाएगा, ये पूछा है, बताओ ये बहुत बड़ा सवाल है, बताएंगे। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है ना। एक बार हम देखते हैं भाई, पहली कंडीशन में जब 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा था तब इमेज कहां बन रही थी, पहले ये देख लेते हैं। तो हमने कहा था जी 1/v निकालना है, तो 1/f, 1/f का मतलब है पहले फोकस दूरी कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी है ना, फोकस दूरी कॉनकेव की बात करें माइनस 15 कर देंगे, कोई दिक्कत है कॉनकेव की। अब माइनस 1/u लाएंगे, देखना मैं यहीं पे कर रहा हूं, मुझे 1/v निकालना है पहली कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन कौन सी है, ये वाली, मेरी बात को समझ पा रहे हो, जब हमारी ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूरी पर था, समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है। 1/v बराबर 1/f, 1/f का मतलब है 15 सेंटीमीटर, माइनस में मैं क्या लाऊंगा 1/u लाऊंगा इधर, तो 1/u का मतलब है 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 40 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने 80 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 80 नहीं आएगा ना, कितना एलसीएम आएगा यहाँ पे, आएगा 80 हमारा एलसीएम नहीं आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 120 एलसीएम ले लो, ठीक। कितना 15 × 120, मतलब क्या यहाँ पे आएगा माइनस 120 प्लस का 8 ऊपर, और यहाँ पे अगर मैं बीच में प्लस लगाऊंगा, ठीक है भाई, 40 × 12 माइनस 3 कितना आ गया 3, तो मतलब v बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस में 36 सेंटीमीटर आ गया। मतलब क्या बोल रहा है हमसे, ये बोल रहा है मेरे भाई कि अगर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो इमेज 36 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा था। अब देखना सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही, कोई ने जवाब दिया, चलो भैया आई एम इल, अच्छा भैया आई एम इल हो तो भाई फिर भी पढ़ रहे हो तो बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है भाई। चलो अब हमसे बोला है दूसरी कंडीशन में ना, ठीक है, दूसरी कंडीशन में कितना आगे देखो, अच्छा 8 − 3 5, भाई 5 से 24 कटेंगे कितने बार जाएंगे, 12 × 24 = 24 आएगा ना, 36 कैसे लिख दिए बाबू भैया, 24 आएगा भैया 24 है ना, ठीक। चलो अब देखना, अगर ये दूसरी कंडीशन की बात कर, दूसरी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, मैं आपको डिटेल कर रहा हूं, समय लग रहा, यहां से यहां लाएंगे, मतलब क्या दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर है ना, तो मैं यहां पे अगर 1/v निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/v है ना, 1/u, ठीक है, 1/f का मतलब फोकस दूरी तो माइनस 15 ही है, माइनस में 1/u का मतलब क्या, अब u कितना हो गया माइनस 20 हो गया, क्यों, क्योंकि 20 सेंटीमीटर खिसका दिया गया, तो मैं यहाँ पे माइनस 20 रखूंगा, बीच वाला माइनस बीच में प्लस जाएगा। यहाँ पे देखना मैंने एलसीएम ले लिया भाई, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 15 और 20 का क्या 60 आएगा, बिल्कुल सही 60 आ जाएगा, ठीक, 15 × 7 − 60 आएगा, तो 15 × 7 ऊपर जाएगा प्लस 4, ठीक, और 20 × 7 − 3, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, आप कहेंगे सर जी यहाँ पे आ गया है माइनस का 36 सेंटीमीटर, क्या कोई दिक्कत बेटा। देखो ये V2 बना, ये V2 है और ये V1 है, मतलब क्या पहली कंडीशन में जब हम 40 सेंटीमीटर रखे थे तब हमारा इमेज कितने में बन रहा था, आप कहेंगे सर हमारा बनना था 24 सेंटीमीटर पर, जब हमने 20 सेंटीमीटर खिसकाया तो इमेज बनना है माइनस 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैं कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, देखो भाई ऊपर कितना बचेगा 4 − 3 1, नीचे कितना आ जाएगा माइनस में 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60,
तो भाई हमें डिफरेंस देखना है। भाई डिफरेंस कैसे देखेंगे, हम देखेंगे भाई डेल्टा वी मतलब क्या, वी टू माइनस वी वन कर दे, अरे 60 माइनस से माइनस में 60 और प्लस में कितना 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर नहीं आएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है 36 सेंटीमीटर तो आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है 36 सेंटीमीटर दर्पण की ओर बनेगा या 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर बनेगा। अब देखना है भाई कौन बच्चा सही देता है, ठीक है वहां 60 आएगा, हाँ 60 गए भैया 36 कैसे बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया 1/-15 बटे 1/40 इसका एलसीएम ले लिया माइनस 120 आया, 120 का मतलब है 15 + 120 ऊपर प्लस 8 माइनस में देखो बीच में प्लस है ना, ये प्लस ये माइनस बीच माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आया और अगर 8 में से 3 जाएगा 5 1/V पर देंगे 24 × 5 = 120 माइनस 24 आ जाएगा, ठीक 36 आएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा समझे। अब मुझे बताओ दर्पण की ओर बनेगा या दर्पण से दूर बनेगा, मुझे एक बार बताओ भाई, हम जब कॉनकेव में कॉनकेव की मैंने की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे इमेज हम पास लाते हैं ऑब्जेक्ट का इमेज जो इमेज बनती है दूर नहीं बनती जाती है, बताओ भाई इमेज दूर बनती जाती है तो क्या बनेगी 36 सेंटीमीटर कहाँ गया 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर अवे फ्रॉम द मिरर 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। आपने उनकी कंडीशन देखी होगी जब हम कॉनकेव मिरर की यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज यहाँ बनती है ना, यहाँ पे रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, समझ पा रहे हो। तो जैसे जैसे हमने क्या किया 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट खिसकाया इमेज 20 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और दूर बनेगी, समझे दो कंडीशन में डिफरेंस पूछा था। देखो देखने का तो भाई ये आप मैं से कंपेरिजन करोगे ये सवाल मुश्किल से आपका एक मिनट लेगा, लेकिन ये सवाल एग्जाम में आपको बहुत लोगों से आगे कर देगा, समझे बालक समझे। अब बताओ भैया ये क्वेश्चन का जवाब बताओ फटाक से, समझ पाए कोई सा भी सर। अच्छा भाई बहुत अच्छा सुबी, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो गजब की ठीक है। चलो भैया ठीक है भाई, कोई भी स्पैम नहीं करेगा एग्जाम डेट को लेकर, नहीं बेटा लेंथी क्वेश्चन नहीं है स्मृति रंजन साहू, ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको रैंक देंगे जो आपको सिलेक्शन देंगे। थोड़ा सा भाई अगर निखरना है तो कुछ तो टपना पड़ेगा, थोड़ा सा तो अलग करना पड़ेगा। बताओ भैया देखो एक वर्णी प्रकाश में भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनको, जैसे ये क्वेश्चन है बहुत छोटा है टिक कर सकते हो थोड़ी देर में, ठीक है बेटा क्या पूछा, वायु का अपवर्तनांक इनके माध्यम में अपवर्तित होता है, ठीक रिफ्रैक्टेड होता है, रिफ्रैक्टेड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ एन टू द एयर है ना, अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है भाई, मैं इसको अच्छा सवाल रेट करूंगा, फटाक से बताओ है ना आप सभी के जवाब, ठीक है ठीक है भाई मैं सब सवाल, ठीक है भैया मैं ये जान नहीं पाता इमेज कहाँ है और कैसे बनेगा, भाई इसकी 6 कंडीशन है, एक बार बुक में जाकर गो थ्रू हो जाओ है ना, गो थ्रू हो जाओ ठीक है। चलो चलो भैया ठीक है, चलो भैया अब बताओ भैया फटाक से इसका बता दो भैया है ना, फटाक से बताओ सी ऑप्शन बी ऑप्शन। देखो क्या पूछा, एक वर्णी प्रकाश क्या पूछा हमसे, पूछा है हमसे पूछा वायु में अपवर्तनांक इन है, इनके माध्यम में अपवर्तित होता है, तो बेटा आपसे क्या पूछा एक वर्णी प्रकाश वायु के अपवर्तनांक इन से, वायु के अपवर्तनांक इन के माध्यम में अपवर्तित होता है, वायु से एयर में जा रहा है तो तरंग दैर्ध्य के अनुपात मुझे बताओ भैया v बराबर हमारा क्या होता है, n लेमडा होता है कि नहीं होता है ना, v बराबर n लेमडा होता है, हमें अगर लेमडा 1:2 लेमडा प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखो लेमडा प्रोपोर्शनल 1/n है कि नहीं, बिल्कुल है, तो लेमडा 1:2 बराबर क्या हो जाएगा n2:n1 हो जाएगा, N2 का मतलब हमारे पास क्या है बाद वाला अपवर्तित कितना, वायु से किसी माध्यम में जा रहा तो बाद वाला क्या है N है, पहले वाला क्या है 1 है, तो n^1 आएगा बच्चों, C आएगा, क्या आएगा बालकों C आएगा, ठीक है। चलो भैया ठीक है, जिनका भी मेरा 15 तारीख को एग्जाम है, अब देखो अब तो युद्ध की तारीख भी पता चल गई है ना, अगर अब भी तुम्हारे अंदर जोश नहीं जग रहा है इन सवालों में गलती कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा बताओ, ये सवाल देखा कितना प्यारा था, क्या पूछा है भाई वेलोसिटी तो सेम आ रही, अरे अपवर्तित पूछा है मतलब क्या, हमें लेमडा 1:2 पूछा है मतलब क्या, बाद वाला क्या है किसी माध्यम में जा रही, भाई माध्यम में अपवर्तित हो रहा मतलब क्या, तरंग किसी माध्यम में जा रही है, मुझे बताओ क्या कोई दिक्कत हुई, क्या कोई दिक्कत हुई, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ठीक। चलो ठीक, मैं देखो अभी ग्रुप में आपको जानते हो अवतल दर्पण की, अब यार यहाँ पे जानते हो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, अगर मैं उन चीजों में बहुत डीप जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन मिस होंगे कहीं ना कहीं, तो मैं अभी ग्रुप में आपको कॉनकेव मिरर की कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन की इमेज डाल दूंगा, मेरे पास है ना, मेरे पास है, मेरे मोबाइल में कमेंट चले मैं अभी डाल ले रहा है ना, डाल दूंगा वहां पे देख लेना, मैंने जैसे याद किया था आप वैसे याद कर सकते हैं, आपको बेनिफिट रहेगा। देखो एक प्रकाश किरण निर्वात से क्या बोला, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक इनके माध्यम जाती है, अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है तो आपतन कोण है, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा। देखो मैं जानता हूं इन बराबर क्या होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, मतलब क्या
आपतन कोण इंसिडेंट एंगल अपॉन रिफ्रेक्टिव एंगल, मेरी बात को समझना। फिर क्या बोला, आपतन कोण बेटा अपवर्तन कोण आर जो है वो क्या है आई बाई टू है, मतलब क्या रिफ्रेक्टेड एंगल है वो इंसिडेंट एंगल का आधा है, तो मैं ऐसे ले सकता हूं कि नहीं आई बराबर टू आर, कोई दिक्कत है क्या बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे साइन आई की जगह क्या रख दिया टू आर रख दिया, अपॉन में आर रख दिया है ना, क्या रख दिया आर रख दिया। अब कुछ बच्चे जो बहुत तेज होंगे मैथ में वो क्या करेंगे साइन आर से टू आर काट देंगे है ना, फिर यहाँ पे कोई साइन आर का ऑप्शन आता होगा वो भी टिक कर देते हैं, जो बहुत तेज है आप लोग तो बहुत कमजोर बच्चे हो, तो साइन टू आर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगेंगे टू साइन आर इंटू में कॉस आर अपॉन में क्या हो जाएगा भैया हमारे पास हो जाएगा साइन आर से साइन आर कटा बराबर में इन तो चली रहा, हमें आर निकालना, देखो आपतन कोण, अच्छा आई निकालना है क्या, तो मुझे नीचे चेंज करना पड़ेगा, सॉरी मुझे आई निकालना है ना, देखो मुझे आपतन कोण निकालना है तो मुझे आई निकालने के लिए चीजें रोकनी पड़ेगी, तो साइन आई है ना साइन आई बराबर, देखो क्या पूछा यार आपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है आर बराबर आई बाई टू आई बराबर टू आर, बिल्कुल ठीक। तो मैं क्या करूंगा है ना, मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, देखो साइन आई बराबर मैं टू आर रख दिया कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में साइन आर ठीक तो कर रहा है ना, क्या है टू साइन आर इंटू में कॉस आर हो जाएगा ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कटा टू कॉस आर आया कि नहीं आया टू कॉस आर एन बराबर टू कॉस आर आर, लेकिन हमें तो आई निकालना है, क्या निकालना है भाई, किसी का जवाब आया सर 12 को एग्जाम नहीं है भाई, अच्छा 12 को भी एग्जाम है क्या, अच्छा 12 को एग्जाम कैसे चल रहा है, अरे भाई कैसे 12 को एग्जाम नहीं चल रहा है ठीक है, चलो भैया ठीक है भाई, देखो हमें तो भाई आर नहीं निकालना, हमें तो यहाँ पे देखो एन आया, मैं अगर आर बराबर देखूंगा मतलब रिफ्रेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एन बटे दो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो मैथ के छात्र हैं, हमें I निकालना है और I कितना है I बराबर है 2R, तो मैं I बराबर क्या ले सकता हूँ 2 इंटू आर, आर कितना आया है वो आया 2 cos इनवर्स में n बाई टू, बहुत बड़ा सवाल था 2 cos इनवर्स n बाई टू कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द राइट वन, समझ पाए, किसी ने बी दिया भाई बहुत बढ़िया भाई है ना, हेलो भाई हाय हेलो करने मत करो, करने का समय अब चला गया है, अब समय है तेजी से सवाल लगाने का। देखो अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल हमारे पास है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण आगे 25 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो आवर्धन होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन सा बच्चा इस सवाल का सही जवाब देता है, बी ऑप्शन आ गया सभी का, बहुत बढ़िया। देखो m बराबर हम जानते हैं, मैं बहुत रफ्तार चलूंगा, m बराबर क्या होता है f अपॉन में f माइनस u होता है ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब देखो क्या पूछा है हमसे, पूछा है क्या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, फोकस दूरी नेगेटिव और u भी नेगेटिव लेंगे, बेटा क्या है फोकस दूरी कितनी है हमारे पास माइनस 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत हमने रखा भाई फोकस दूरी कितनी है माइनस 20 है तो मैं माइनस 20 लूंगा, क्या लूंगा फोकस दूरी लूंगा, अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर मतलब रखी है क्या u बराबर माइनस 25 नहीं बोल दूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। अब देखो फोकस दूरी कितनी माइनस 20 और प्लस में देखो माइनस माइनस 25 कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, चला देखो माइनस 20 अपॉन में माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस ठीक कितना आएगा 5 आएगा, तो हमारे पास देखो कितना आएगा भाई 5 चौको 20 कितना आ जाएगा आवर्धन हमारा कितना आ जाएगा 4 गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 4 गुना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे नेगेटिव आवर्धन माने का मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर का बेटा कॉनकेव मिरर का आवर्धन क्या रहता है आपसे पूछेगा बेटा, मैग्निफिकेशन क्या रहता है जो होता है वो फिक्स नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। अब मुझे बताओ कॉन्वेक्स मिरर का उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, कमेंट में तुरंत बताओ ठीक है, तुरंत बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, समझे, बहुत बढ़िया भाई बी फॉर बेलगांव। देखो एक बार सभी लोग जोर लगा के एक एक शेयर एटलीस्ट एक एक शेयर है ना शेयर करके आ जाओ ठीक ठीक है भाई, इतना कर सकते हो आप लोग है ना, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कर सकते हो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण दीवार पर 45 सेंटीमीटर दूरी पर है तो दीवार पर एक पिंड का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, क्या बताया टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ अ बॉडी ऑन द वॉल एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द बॉडी प्लेस फ्रॉम द मिरर, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन सा बच्चा है जो तेजी से जवाब दे पाता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है बताओ ठीक है। एक बार सभी चीज जोर लगा के है ना, पॉजिटिव बेटा पॉजिटिव होगा बेटा ठीक है, सुभी शिवम बेटा जनक निगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा है ना, पॉजिटिव होगा और एक से कम होगा लेस देन वन एंड पॉजिटिव है ना ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई ये सवाल ठीक था। अब देखते हैं भाई इसका जवाब कौन सा बच्चा सही देता है, देखो बहुत छोटा सवाल है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको देंगे हाँ ठीक है, मैथन पढ़ के जाएंगे तभी पास हो जाएंगे, अच्छा भैया है ना, तो शेयर भी कर दो सब लोग, हम टाइम कॉन्फिडेंस दिलाता है लूज करता है क्वेश्चन हार लाकर, अच्छा
भाई हर टाइप के। आज सुबह मॉक में देखा था क्वेश्चन, मॉक का लेवल ऐसे एवरेज था, बिलो एवरेज कहूंगा मैं, फिर भी बच्चों के नंबर एवरेज आए हैं ना, तो थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है लास्ट में। कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, आसान क्वेश्चन है भाई, दर्पण को कितनी दूरी पर रखने चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, बताओ भैया। क्या पूछा, अवतल दर्पण है 20 सेंटीमीटर, मतलब क्या फोकल दूरी हमारे पास कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है, और क्या 45 सेंटीमीटर दूरी पर है बेटा ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या निकाला वास्तविक प्रतिबिंब, 1/v निकालना है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u कर देंगे, 1/f का मतलब है माइनस 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी है, माइनस u कितना है दीवार से, बेटा क्या दर्पण दीवार से 45 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो मैं क्या कर दूंगा माइनस में 45 मतलब प्लस 45, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे 180 एलसीएम ले लिया भाई, 180 आएगा एलसीएम, 20 से काटेंगे, 20 में 180 माइनस 9, ठीक, बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, 45 दुना 80 है ना, 45 दुना 90 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, तो मेरे पास जो 1/v बराबर कितना आ जाएगा इतना, तो मैं v निकालूंगा, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास आ जाएगा 180/5, कितना आ जाएगा भाई 180, देखो ना यहाँ पे 9 माइनस 9 प्लस 4 कितना आएगा 5, कितना आएगा 36 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा भाई 36 सेंटीमीटर आएगा ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है आपको लगे सर जी ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, क्या सवाल आएंगे, अरे भर भर के आएंगे भाई, भर भर के आएंगे, समझे, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन नहीं, 36 सेंटीमीटर किसमें दिया है, 36 सेंटीमीटर है डी में, तो डी ऑप्शन कहां से दे रहे हो सी बच्चे, ठीक है। अगले सवाल पे बात करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, बताओ भैया। अब मुझे बताओ क्रांतिक कोण किसके लिए भाई, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन सी बराबर होता है 1/n। अब मुझे एक बार बताओ, ये सवाल मैंने भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, जिसमें गलती करते हैं मुझे उसको बताने में अच्छा लगता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, अभी मजा आएगा है ना, अभी मजा आएगा वीडियो है ना। देखो अब देखो साइन सी बराबर 1/n है, अब हमें क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, समझ पा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसमें होगा, हमें देखना पड़ेगा भाई कांच से पानी में जा रही, कांच से वायु जा रही, किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस मिनिमम है, समझ पा रहे हो। देखो कांच के लिए बेटा 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी में जा रही एक डिफरेंस देखो 0.5 का आ रहा है ना बेटा, अगर कांच से मतलब 1.5 से वायु में जा रही, कांच से वायु मतलब 1.33 है ना, डिफरेंट कितना आएगा देखो, डिफरेंट बाद में देखना, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं फटाफट से, ठीक है। वायु के लिए एक होता है, हीरे के लिए कितना होता है भाई 12.25 से वायु के लिए एक, पानी का मतलब 1.33 से 1। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस मिनिमम कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर जी पानी से वायु में तो आ रहा है हमारा 2.27, कितना 0.27 के देखो 1 से 0.33, ठीक। अब देखो अगर मैं देखूंगा 0.33 डिफरेंस आ रहा है, और बेटा इसमें डिफरेंस देखो कितना आ रहा है कांच से पानी में, सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जो सबसे मिनिमम आ रहा है ऑप्शन ए में, देखो 1.5 से 1.33 बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बाकी सब में डिफरेंस ज्यादा है, तो डिफरेंस अगर कम है तो क्रांतिक एंगल किसका ज्यादा होगा, जब हम ग्लास इंटू वाटर जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन, समझे सभी प्यारे दोस्त, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, सी नहीं होगा यार राजेश है ना, अनिल बहुत बढ़िया अनिल, ठीक है बच्चा ए होगा, ठीक है बेटा ए होगा, आपको देखना पड़ेगा। देखो कांच से वायु में जा रही, कांच का कितना है भाई 1.5 है ना, कांच के 1.5 और वायु का कितना एक है, डिफरेंस देखोगे 0.5 का डिफरेंस आ रहा, और सबसे मिनिमम डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितने है, कांच से जब हम जा रहे हैं पानी में, कांच से पानी में, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, समझे। चलो भैया आगे चलते हैं अगले सवाल पे, एक स्विमिंग पूल की बात आ गई है, ठीक है रिपीट कर दें, अच्छा भैया बहुत बढ़िया पूछे, अच्छा क्या पूछे भैया हमसे, क्या पूछा है क्रांतिक कोण अधिकतम होगा, अरे भैया क्रांतिक कोण अधिकतम होने का मतलब नहीं समझ रहे हो, देखो क्रांतिक कोण अधिकतम होने का मतलब है क्रिटिकल एंगल अधिकतम कब होगा, ये ज्यादा कब होगा, ये ज्यादा कब होगा, जब अपवर्तन अपवर्तनांक क्या होगा मिनिमम होगा, अपवर्तनांक क्या होगा कम होगा, अपवर्तनांक का मतलब है भाई दो माध्यम जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस देख लेते हैं, समझ नहीं पा रहे हो, क्या पूछा मैक्सिमम पूछा है क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस मिनिमम होगा, मिनिमम किस में है कांच के लिए 1.5 पानी के लिए 1.33, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है बहुत मिनिमम आ रहा है, अब कांच से वायु के लिए देखो 0.5 के आस पास है वो तो 0.5 से कम है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी देखो कांच से वायु में मतलब क्या 1.5 से 1, मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन बच्चे गलती बहुत करते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन समझो हमें देखना पड़ेगा भाई किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस मिनिमम आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस मिनिमम, क्रांतिक एंगल ज्यादा, समझे ऑप्शन नंबर ए होगा, समझ पाए कि नहीं, ठीक है बिल्कुल दे देंगे भाई ऐप पीडीएफ जाएगी, समझे भाई। चलो भैया
समझो, कोई दिक्कत अब बताओ भैया, है ना, ठीक है, चलो भैया कोई दिक्कत है क्या अंजनी, है ना, कोई दिक्कत लिटिल गर्ल और सभी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तरण ताल में स्विमिंग पूल में सामान्य रूप से देखने पर 6 मीटर उठी हुई दिखाई देती है, है ना, क्या है, सामान्य रूप से। अच्छा मुझे बताओ किसी भी ताल में, तरण ताल में, है ना, स्विमिंग पूल में, देखो तरण ताल क्या वर्ड है ना, एक कोई मान लो सिक्का पड़ा है, कांच की छड़ी है, कुछ भी पड़ा है, तो वह ऊपर दिखाई देती है। इस घटना का संबंध किससे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, है ना, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किससे संबंध है बताओ, इस चीज का कमेंट करके बताओ, ठीक। यदि पानी की वास्तविक गहराई 24 मीटर है तो पानी का अपवर्तनांक बताना है बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, अपने आप में बढ़िया सवाल है। देखो मैं जानता हूं भाई, कभी भी आपसे पूछे एच डैश मतलब क्या, आभासी गहराई पूछे, क्या पूछे आपसे, पूछे अपारेंट डेप्थ, क्या पूछे आपसे, पूछे भैया अपारेंट डेप्थ। बेटा ये घटना क्या है, ये घटना कहलाती है अपवर्तन। क्या कहलाती है, आप कहेंगे सर जी ये तो होती है रिफ्रैक्शन, क्या होती है अपवर्तन शिप, है ना। एच डैश बराबर क्या होगा, आपको ध्यान रखना होगा भाई, एच डैश बराबर हो जाएगा हमारा एच अपॉन एन, मतलब क्या, वास्तविक गहराई अपॉन में अपवर्तनांक, है ना, या n बराबर कुछ लोग h अपॉन h डैश करके याद रखते हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो h क्या है, वास्तविक गहराई हमें निकालनी है, है ना, वास्तविक गहराई दी है तो आप अपवर्तनांक पूछा है, हमें क्या पूछा है अपवर्तनांक पूछा है, तो मैं क्या निकालूंगा n बराबर में h अपॉन में h डैश कर दूंगा। बेटा आभासी गहराई देखो, तरण ताल में सामान्य रूप देखने पर 6 मीटर ऊपर उठी दिखाई देती है, कितना 6 मीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो बताओ भैया एक बार मुझे बताओ 6 मीटर ऊपर उठी दिखाई दे रही है तो उसकी आभासी गहराई कितनी, भाई मान लो 24 मीटर का कूरा है, क्या है 24 मीटर का ताल है, है ना, अगर 6 मीटर उठी दिखाई देगी, 6 मीटर उठी दिखाई देगी तो भाई आभासी गहराई तो ये वाली हो गई, वो कितनी हो गई, आप कहेंगे सर जी 18 मीटर, कितनी हो गई 18 मीटर, तो अब वास्तविक गहराई, वास्तविक तो रियल तो है 24, अपॉन में एच डैश कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, अगर 18 से भाग दूंगा 6 चौके 24, 6 3 18, 4/3 का मतलब कितना है 1.33 मीटर, कितना हो जाएगा 1.33 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर ए होगा, ए फॉर एयर फोर्स, है ना, ठीक है। चलो भैया देखो बच्चों गलती कैसे कर रहे हो, ये ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया आदर शाबाश, है ना, रिफ्रैक्शन बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, ए होगा, है ना, 24/18 भाई, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा जय किशन, है ना, ठीक है, ए होगा भाई। जो बच्चे सी दे रहे हैं फ्यूचर गलती नहीं करनी, है ना, आप कुछ बच्चे जानते हो इसमें हो सकता है कई बार क्या दे दे, कुछ ऑप्शन ऐसे दे दे जिसमें आप 4 ऑप्शन दे दे, अगर एक ऑप्शन 4 दे दे ना तो बच्चे और गलती कर जाएंगे, आप अगर 4 दे दे वो क्या रखेंगे भाई, जो आभासी गहराई का मतलब समझ लो, उठने के बाद भाई 6 मीटर उठी दिखाई दे रही है ना, 24 में से टोटल 24 है, 6 मीटर उठी दिखाई दे रही, बची कितनी, आप कहेंगे सर ये 18 मीटर है, तो यही जो बची हुई है, यही जो ऊपर उठी दिखाई रही, यही तो अपेरेंट डेप्थ है, ये तो आभासी गहराई है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। चलो भैया ठीक है, चलो भैया आगे चलें, आगे चलते हैं। चलो भैया अब जो है, अब वाटर का होता तो है लेकिन क्या तुक्का मार दोगे कि वाटर का देख के 1.33 होगा, है ना, नहीं कर सकते, ठीक। और देखो आप सभी एक बार शेयर करके आ जाओ, ठीक है, एक बार सभी बच्चे शेयर करके आ जाएंगे तभी मजा आएगा। एक कागज पर बने बिंदु का शीशा की पट्टिका रखने पर सामान्य रूप से देखने पर बिंदु 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिखाई देता है, यदि शीशे का अपवर्तनांक 3/2 हो तो पट्टिका की मोटाई होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा भाई, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन सा बालक तेजी से जवाब दे पाता है, है ना, देखते हैं, ठीक है। चलो भैया ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं कौन सा बालक इस सवाल को सही तरीके से दे पाता है, ठीक। क्या बोला है, कागज के बने बिंदु पर पट्टिका रखकर सामान्य रूप से देखा जाता है तो क्या 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिखा जाता है, एक क्या है भाई, एक हमारा क्या है भाई पॉइंट है, एक कागज के बने बिंदु पर, एक हमारा कागज का एक पॉइंट है, ठीक, क्या है, उसके ऊपर शीशे की पट्टिका रख दी हमने, क्या रख दिया, एक शीशे की पट्टिका रख दी, ठीक, तो बिंदु क्या करता है 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिखा देता है। यदि शीशे का अपवर्तनांक दिया है, देखो हम जानते हैं बेटा, कभी भी मैंने क्या बताया, शिप के बारे में आपको बताया था कि नहीं, पहले भी मैंने इसके बारे में ऐसा ही क्वेश्चन करा चुका हूं। शिप, शिप का मतलब है कितना ऊपर उठी दिखाई देगी, क्या, कितना ऊपर उठी दिखाई देगी, उठाई ऊपर उठी दिखाई देगी मतलब क्या है, देखो ऊपर उठी, इसके लिए कंसेप्ट जो ये मैं लिखने जा रहा हूं, कंसेप्ट क्या है भाई, टोटल हाइट, टोटल जितनी गहराई है उससे एच डैश अपेरेंट डेप्थ निकाल दें, माइनस कर दें। तो बेटा आपको सीधा ध्यान रखो भाई, जो चीजें हमारे काम के सीधा याद रख लेते हैं ना, वो क्या होगी, एच अपॉन में एच डैश, भाई क्या है,
भाई क्या पूछा है हमसे, ये पूछेगा कि 2 सेंटीमीटर उठाए दिखा दे शीशे का पटना है तो पट्टिका की मोटाई मतलब टोटल एच पूछी हमें, देखो कितना ऊपर उठे देगा दिखाई देगी 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाए दिखाई देगी, तो ये सिर्फ हम 2 सेंटीमीटर दिया है, मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज कर लिया। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा डेल्टा एच बराबर एच कॉमन लेंगे भाई, एच एच बराबर क्या 1, एच डैश का मतलब क्या है एच अपॉन एच एन, एच अपॉन एन एच डैश का मतलब देखो हमने क्या पढ़ा आभासी गहराई है एच अपॉन एन, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो मैं यहाँ पे वहां पे मैं 1/n भी लिख सकता हूँ, ये हमको फॉर्मूले याद रखने, अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो मजा आ जाएगा भाई। देखो अब हमें दिया क्या है, हमें पूछा है पट्टिका की मोटाई मतलब हमें वास्तविक मोटाई निकालनी है, हमें एच निकालना है यहाँ पे, तो मैं डेल्टा एच देखो यहाँ पे दिया गया है, डेल्टा एच का मतलब है 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देती है दिखाई देती है तो 2 सेंटीमीटर दिया गया है, एच हमें निकालना है। 1 - 1/n का मतलब क्या है, इनका मतलब है 3 और बटे 2 का मतलब मैं 2 पलट के ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं एच निकालूंगा 3 × 2 अपॉन में 3 - 2 कितना 1 कितना देगा बच्चों 6 सेंटीमीटर आएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर सी होगा ना कि ए या बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन। ठीक है देखो भैया दानिश भैया गलत कर गए आप, है ना, आप क्या कर गए आप थोड़ा सा गड़बड़ कर गए, ऑप्शन इसका सी होगा समझे। सी होगा भाई ना भाई, गलती नहीं करनी है हमें चीजों को समझना है, हमसे क्या पूछा पट्टिका की मोटाई भाई, बिंदु पट्टिका रखने पर पॉइंट ऊपर दिखाई देता है तो हमें वास्तविक गहराई निकालनी है, क्या निकालनी है वास्तविक गहराई निकालनी है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना रखा है, अगर आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है समझ पाए हो, समझ पाए बहुत बढ़िया भाई, है ना ठीक है चलो आगे चलते हैं। 9 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टिका के नीचे एक बिंदु है, शीशे की पट्टिका के ऊपर 12 सेंटीमीटर ऊपर पानी की सतह है, सामान्य रूप से देखने पर बिंदु की आभासी गहराई होगी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी अपने आप में बढ़िया सवाल है ना, देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन की डेप्थ को समझता है और क्वेश्चन को अच्छे से कर पाता है। क्या पूछा है 9 सेंटीमीटर कांच की पट्टिका के नीचे, देखो ये क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर कांच की पट्टिका है, क्या है ये हमारा 9 सेंटीमीटर कांच की पट्टिका है, क्या है कांच है ठीक, फिर क्या बोला इसके नीचे एक पॉइंट है, ठीक है इसके नीचे एक पॉइंट है, शीशे की पट्टिका के ऊपर 12 सेंटीमीटर ऊंची पानी की परत है, बेटा 9 सेंटीमीटर ऊंची पट्टिका के ऊपर एक 12 सेंटीमीटर की क्या एक 12 सेंटीमीटर की हमारी कांच की परत है, क्या बोलेगा आपसे बोलेगा 12 सेंटीमीटर ऊंची पानी की परत है, ठीक है पानी की परत है, आपसे पूछा है बेटा ऊपर से देखने पर आभासी बिंदु का आभासी गहराई होगी, बेटा एक बार मुझे बताओ बिंदु को आभासी गहराई भाई 2 मीडियम आ गए तो हमें 2 मीडियम से गुजरना पड़ेगा देखने के लिए अपनी आंखों को, 2 मीडियम से हमारी आंखों पर पड़ने वाली रेस को 2 मीडियम से होकर जाना पड़ेगा उस पॉइंट को देखने के लिए। इस पॉइंट पर देखो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाता है। ठीक है कौन सा बच्चा, ठीक है नहीं भैया सर वेल प्रैक्टिस की, बेटा सारे प्रैक्टिस है अभी देखो तो, है ना अभी देखो तो नंबर वैसे करता करता तो थक जाऊंगा, बहुत सवाल है ना, बहुत सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल हैं मजा आ जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है ना। ठीक है भैया चलो भैया आगे चलते हैं कहाँ पे थे हम लोग, अभी काहे परेशान हो आप, बिल्कुल निश्चिंत रहो वो सब काम मेरा है ना। ठीक है बिंदु की आभासी गहराई होगी, देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालूंगा एच डैश बराबर एच अपॉन एन करके, एच का मतलब है 9 × 3 = 21 अपॉन में, ठीक है पानी का होता है हमारा 3/2 और कांच का 4/3, क्या मैं उसे डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है चलो भैया डी ऑप्शन, अच्छा सारे सवाल होंगे बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे ठीक है बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ठीक है देखो एक बार मुझे बताओ मेरी बात समझना, बहुत छोटा सवाल है भाई, हमने अभी क्या पढ़ा भाई शिप पढ़ा है ना, हमने शिप पढ़ा क्या मतलब कितना ऊपर उठी दिखाएगी वो क्या होती है, आप कहेंगे सर जी एच अपॉन एच डैश पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। अब मुझे बताओ भाई टोटल तो गहराई कितनी है, टोटल गहराई हमारी 21 सेंटीमीटर है, अब देखो एक तो ये 9 सेंटीमीटर भाई जो बिंदु है हम देखेंगे तो पहले मान लेते हैं पहले कांच की पट्टिका के लिए देखते हैं कांच की पट्टिका में कितना ऊपर उठता है दिखाई देगा, तो हम कहते हैं भाई कांच की पट्टिका के लिए एच कॉमन ले लेते हैं 1/(1 - n) मतलब क्या हम कांच के लिए ले लेते हैं, किसके लिए कांच के लिए, ठीक इनका मतलब है 3/2 है ना, 3/2 है कि नहीं, और बेटा कांच की पट्टिका की वास्तविक गहराई कितनी है, आप कहेंगे सर जी वास्तविक मोटाई है 9 सेंटीमीटर है कांच की, तो मैं 9 × 3 - 1 = 2 और 2/3 मतलब 1/3 मतलब कितना आ गया 3 आ गया, मतलब कांच की पट्टिका के लिए
तीन सेंटीमीटर शिफ्ट आएगी। अब देखना, मैं अगर शिफ्ट बात करूं किसके लिए, मैं बात करूं पानी के लिए, किसके लिए बेटा, पानी के लिए, ठीक है। पानी के लिए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे पानी की पट्टी का मोटाई 12 सेंटीमीटर है इनटू में 1 माइनस n। मैं इसी वाले फॉर्मूले में, मैं इसी वाले फॉर्मूले में रख रहा हूं, देखना मैं क्या कर देता हूं, मैं 1 माइनस 1 अपॉन पानी के लिए n का मान कितना होता है 4/3, 3 पढ़ के मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 4 × 3 = 12 और 3 × 9 = 9 कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया भाई, 4 × 3 = 12 और 4 − 1 = 3, 3 × 9 आ गया। तो मतलब क्या, कांच के लिए देखो कितना आया, 3 सेंटीमीटर उठेगी, पानी के लिए कितना उठी दिखाई देगी, आप कहेंगे सर जी 9 सेंटीमीटर दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी 9 सेंटीमीटर दिखाई। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा भाई, देखिए सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 − 3 = 1, 4 − 3 = 1 और यहाँ पे कितना आएगा, 4 − 3 = 1 आएगा, 1/4, 4 मतलब यहाँ पर सॉरी 3 आएगा, सॉरी मैं ना कैलकुलेशन वही कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा हो रहा है। तो देखो पानी, कांच के लिए 3 और पानी के लिए कितना 6, तो 6 × 3 = 9 मतलब टोटल 9 सेंटीमीटर ऊपर उठी दिखाई देगी। और कुल गहराई कितनी है, आप कहेंगे सर जी 12 × 9 = 21, तो बेटा जो ऊपर 2 पट लेते हैं तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा 21, में से 9 घटा देंगे हमारे पास कितना आएगा भाई, हमारे पास आएगा 12 × 9 = 21, 12 सेंटीमीटर टोटल के लिए 12 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्या मुझे बताओ समझ पाए कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, बताओ भैया, ठीक है। चलो भैया 3 होगा भाई, तो मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना भाई, इसमें होगा बी, क्या होगा भाई, बी होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, देखो हमने क्या किया, हमने भाई कांच के लिए निकाल लिया भाई सिप कितनी है 3 है, हमने पानी के लिए सिप निकाल लिया वो कितनी आ गई 6 आ गई है ना, 4 − 3, 4 − 3 करेंगे 1, 1/4 मतलब 4 × 3 = 12, अच्छा 3 आएगा क्या यार, मैं बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, ऐसे कह चलेगा बाबू भैया है ना, मैं अपने आप से कह रहा हूँ, 4 − 3 एक, 1/4 × 3 = 12 3 आएगा सॉरी। तो बेटा 3 मिलकर कितना हो गया, आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया 15, जिन बच्चों ने दिया है भाई बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश भाई है ना। तो यहाँ पे 21 − 6 कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपने दिया है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई है ना, मतलब मेरी बात समझ गए, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखो रंगीन कांच किसमें डूबा है, एक टुकड़ा दिखाई नहीं देता, अच्छा एक रंगीन द्रव में कांच डूबा हुआ है, ठीक भैया, अगर ये कब नहीं दिखाई देगा मेरा, जब अगर दोनों के, मैंने आज बताया था ना, अगर दोनों के अपवर्तनांक मतलब क्या, कांच का अपवर्तनांक और अगर पानी का मतलब पानी का नहीं यहाँ पे लिक्विड का, बेटा द्रव में, किसी लिक्विड में हम अगर कांच डाल रहे हैं अगर बराबर आ जाएंगे तो हमारा लेंस कैसा हो जाएगा, अदृश्य नहीं हो जाएगा, बताओ। तो बेटा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बेटा वो क्या दिखाएगा, एक कांच प्लेट की तरह वर्क करेगा। और अगर आपसे पूछ ले इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑप्शन बचा कौन सही हो जाएगा इस पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अच्छा भाई है ना, ऑप्शन नंबर सी आया। आगे चलते हैं अगले सवाल में बात करते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, देखो हमसे क्या बोला है अगला सवाल देखना, हमसे बेटा बोला है कांच और जल में अपवर्तनांक वायु के संबंध में कितना है, 3/2, 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक जल के संबंध में है, बताओ भैया कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में है। देखो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, बिल्कुल बेटा पीडीएफ एनोटेड ही मिलेगी यादव जी है ना, ठीक है आपकी तो सरकार चल रही है ना। देखो क्या पूछा, अपवर्तनांक जल के संदर्भ में होगा, मैंने देखो हिंदी वालों के लिए समझना और आसान है, मैं तो हमेशा ऐसे करता हूं, मुझे एयर टू वाटर या एयर टू ग्लास देखने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया था, इन बराबर मैंने बताया था जिसका बटे जिसके कर लो, क्या जिसका मतलब वर्णमाला में ए पहले आता है जिसका अपॉन में जिसके, ठीक। अब कुछ नहीं देखना, आप चाहे जिस सवाल में जाके ट्राई कर लेना, क्या बोला है बेटा कांच और जल के, देखो क्या पूछा है, क्या पूछा क्या है, कांच का पूछा है, कांच का जिसका पूछा है, कांच का पूछा मतलब कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है अपॉन किसके संबंध में, जल के, जल के है तो जल के लिए कितना हो जाएगा 4/3, 3 × 9/8 आ जाएगा, कितना आएगा 9/8, आप अपने फॉर्मूले लगा के कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बी हो जाएगा। चलो भैया आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझे बी दिया, चलो भैया ठीक है। चलो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फिर निकाल लो भाई हमारी ट्रिक फेल नहीं होगी है ना। देखो आपसे क्या पूछा, अभी मैं बेसिक बता दूंगा अगर कहोगे है ना, फॉर्मूला लिख के क्या पूछा हमें, हमने पढ़ा जिसका बटे जिसकी, हमें अपवर्तनांक निकालना, क्या निकालना भैया हमें अपवर्तनांक से ट्रिक रखो। हाँ बेटा एक बार और देखो, अगर कभी भी आपसे पूछेगा एक ट्रिक और बता रहा हूँ ना, मेरी ये सब देसी वाली है ना, मैंने अपने तरीके से बनाई थी और 100% मतलब मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बताऊंगा
जो कहीं कहीं पे भी अप्लीकेबल हो ना, ठीक है। कभी भी आपसे क्रांति कोण पूछे तो हमेशा देखो कम बटे ज्यादा, मतलब जिसका अपवर्तनांक कम हो, कम बटे ज्यादा। भाई हमने क्रिटिकल एंगल क्या पढ़ा, हमने क्रिटिकल एंगल क्या पढ़ा, हमने बेटा पढ़ा है साइन सी बराबर, क्या पढ़ा हमने, 1/n पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये पढ़ा। तो कभी भी क्रिटिकल एंगल निकाला हो आप कम बटे ज्यादा करना, मतलब क्या, जिसका क्रिटिकल एंगल कम है बटे ज्यादा। कभी अगर आपका अगर कहीं भी गड़बड़ हो जाए तो मुझे बताना, कहीं भी एक भी नंबर की नुकसान हो जाए तो बताना, एकदम रामबाण तरीका है, है ना। देखना इसका सवाल मैंने लेना भूल गया, नहीं बताता। देखो जिसका क्या पूछा है, कांच का पूछा है, कांच कितना होता है आप कहेंगे सर जी 3/2 होता है, अपॉन जिसके मतलब हीरे का मतलब है 12/5, ठीक। 5 नहीं, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा 2 से काटूंगा, है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अगर मैं देखो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना, 3/2 × 12/5, ठीक है, 2 से काटूंगा 2 × 6 = 12, ठीक है। शत्रुघ्न 18/5 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 18/5, कौन सा ऑप्शन आएगा भाई 18/5, देखो 5/18 तो नहीं आएगा। जिसका मतलब क्या पूछा है, कांच का, कांच का मतलब है 3/2 अपॉन में हीरे का, हीरे के सापेक्ष कांच का, ठीक, हीरे क्या है जिसके 12/5 होता है, 5 3/2 और 5 पैट के ऊपर 5 जाएगा, वही तो भाई मेरी ट्रिक कभी फेल हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सही हो आप, ठीक। क्या है 5 ऊपर जाएगा ना, 5/12, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 × 12, ठीक है, 3 × 12 और 3/2 है, 5/ कितना आएगा 5/8 आएगा बालकों, 5/ आएगा, 101% ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप बहुत फॉर्मूला लिख के बता दूं एयर टू वाटर वाला, है ना, ठीक है। चलो भैया देखो यहाँ पे मैं बताऊं, आप जो 2/3 दे रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या बोला है, हमें पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का, हमें पूछा है ए, हमें देखो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ो समझ में आ जाएगा, एयर रिलेटिव क्या पूछा है, द इंडेक्स ऑफ एयर रिलेटिव टू ग्लास, भैया एयर टू ग्लास पूछा है, एयर टू ग्लास तो 3/2 ही होगा भाई, कांच यहाँ पे जानते हो क्या गया, ग्लास टू एयर दिया, ग्लास टू एयर 2/3 है, लेकिन अगर हम एयर टू ग्लास देंगे, वायु से ग्लास देखेंगे तो 3/2 नहीं आएगा, बराबर 1 होता है, पलट के देखेंगे 1/2 आ जाएगा, पलट देखेंगे 3/2 आएगा, समझे। यहाँ पे उल्टा लिखा है, मैं उससे मतलब ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ ये ट्रिक देख लो, हमें कुछ नहीं देखना है, उल्टा दिया सीधा दिया, हमें अपने आप से मतलब रखना है, समझे समझे, घुमा दिया था, 2/3 है उससे मतलब नहीं, हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं, है ना। ये क्या होगा 101% सत्य होगा, ये वही जो ट्रिक है। और जो को क्रिटिकल एंगल निकालना पूछेगा, अगर 2 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिए हैं तो आपको फिर एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर ऐसे करके लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम आता है उसको ऊपर रखो, जिसका ज्यादा होता है उसको नीचे रख दो, खत्म, है ना, जाके अभी ट्राई कर लेना, समझे। चलो भैया, चलो भैया कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। देखो बेटा ये देखो, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है, इनके आने की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं बताऊं मेरे 2019 वाले एग्जाम में ये सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया था कि भैया शंकुआकार मार्ग वाले में। अब भाई हम लोग ने उस समय नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में पढ़ा था, फिर नहीं बोले क्या, एक मछली जन्म के बाहरी दुनिया में वृत्ताकार क्षेत्र रूप से देखती है, है ना, मछली जल के जल से 12 सेंटीमीटर नीचे है, जल का अपवर्तनांक। देखो भाई ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये फिक्स पैटर्न के हैं, ये अगर आएंगे तो अगर पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो ढेर हो जाओगे। एक अंदर अगर मछली है पानी में, फिर भी हम बता देते ना, कर लेते हैं भाई, हम लोग तैयारी से जाते हैं पूरा, ठीक, मछली हमारी तैर रही है, अगर बेटा देखेगी तो आपको पूछेगा, बेटा बताओ फटाक से बता दो, ठीक है। चलो भैया कोई दिक्कत, इसने एन अच्छे से जानता नहीं, चलो भैया कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, फटाक से बताएंगे। देखो अगर कभी भी आपसे पूछता है भाई, देखो मछली जो देखेगी, पहले तो मछली जो देखेगी शंकुआकार कोनिक मार्ग में देखेगी और रेडियस पूछेगी, तो देखो आप याद रखना अंडर रूट में 3/7, है ना, 3/√7h, कितना 3/√7h, कितना 3/√7h होगी, कितनी होगी 3/√7h होगी, या आपसे r बराबर पूछेगा अंडर रूट में, है ना, h अपॉन में अंडर रूट में n² - 1, बेटा पानी के लिए n के मान रखोगे तभी आ जाएगा, समझे, तभी ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई याद है ना, हाँ भाई याद ही रखो, इंपॉर्टेंट है भाई, सेम कंसेप्ट पर मैं बता रहा हूँ, मेरा भरोसा करो, इस पर ही सवाल आया था और हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें पता नहीं था उस टाइम, ठीक। क्या मछली जल से हाइट कितनी है, देखो मछली जल के तल से 12 सेंटीमीटर नीचे है तो 12 सेंटीमीटर हाइट क्या होगी भाई, जल के तल से जितना नीचे होगी वही तो 12 सेंटीमीटर है, अपॉन √7, 36/√7, 36/√7 कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, स्पेसिफिक टाइप के हैं, इसकी गारंटी नहीं है कि यही आ जाएगा, है ना, ये बात है।
ये अगर लेकिन आया तो अगर आपने इसे पढ़ लिया तभी कर भी पाओगे, नहीं कर नहीं पाओगे, है ना, ठीक है, समझे। चलो भैया बहुत घुमाता था, हाँ भाई जो भी घुमाता था इसीलिए तो करा है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसका दिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलो भैया ऑप्शन नंबर इसका दे रहे हैं डी। देखो इस क्वेश्चन को मैंने जब पिछली बार कराया था तो बहुत सारे बच्चे गलत दिए थे, और एक बात और मैं देखना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि इस पे जानते हो मुझे लग रहा था थोड़ा सा इसमें इरर वगैरह भी थी, है ना, जो भी थी अभी उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है भाई, सही बच्चे बताएंगे अभी उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, मुझे लग रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहे हो कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलो देखो हमने अगर को आज ही मैंने आप ऐप पर बच्चों को ये बात बताई भी है, देखते हैं भाई याद किसको है। एक लेंस वाई में अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, बेटा क्या है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको जल में, जल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 है, मैं अभिसारी लेंस का मतलब क्या नेचर चेंज नहीं हो रहा। अरे भैया अभी देखो हम जानते हैं रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ लिक्विड अगर ग्लास से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, नेचर को चेंज कर देगा, क्या करेगा, नेचर को क्या करेगा, चेंज करेगा। मैंने कई बार इन चीजों के बारे में बात करी है, ठीक, वो क्या करेगा, फोकल दूरी क्या हो जाएगी, फोकल दूरी हमारी कम पड़ जाएगी, समझे। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बेटा लिक्विड जो होगा, बेटा लिक्विड का मतलब पानी द्रव किसी भी, अगर ग्लास का है ना बेटा, अगर ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो नेचर क्या रहेगा, आप कहेंगे सर नेचर सेम रहेगा, नेचर क्या रहेगा, नेचर हमारा सेम रहेगा, और हम क्या जानते हैं, और बेटा फोकल दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, फोकल दूरी बढ़ जाएगी। मेरी बात को यहाँ पे ध्यान समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब देखना मेरी बात को यहाँ पे एक चीज समझना, क्या बेटा हमने अगर बेटा वायु में कैसा था, कन्वर्जिंग था, और पानी में डाइवर्जिंग हो गया, तो मतलब नेचर तो चेंज हो रहा है, ऑब्वियस बात है, तो नेचर चेंज हो रहा, हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तो मतलब क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मतलब जो जल में पानी में मतलब किसमें डूबा है भाई, लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा होना, लिक्विड का अपवर्तनांक कितना, यहाँ पे जल का अपवर्तनांक देख रहे हो, जल का अपवर्तनांक कितना दिया 1.33, तो मतलब क्या ग्लास का अपवर्तनांक 1.33 से कम आएगा, क्या पूछा, कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.33 से कम आएगा, तो 1.33 से तो कम आएगा, बिल्कुल सही, लेकिन क्या ऑप्शन यहाँ पे सी ही आएगा, और एक बात समझो वायु से ज्यादा भी होगा, बिल्कुल सही, 1.33 से कम आएगा और वायु से ज्यादा होगा, बिल्कुल भाई वायु के बराबर थोड़े ना हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, समझ पाए हो, सभी लोगों ने सी दे दिया, ठीक है भाई। एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आने चाहिए, अब तक एक दो दिन में आ जाने चाहिए, है ना, एक दिन में आने चाहिए। देखो आज क्या थी भाई, हमारी छुट्टी थी ना, कल छुट्टी थी, तो हो सकता है भाई आज ऑफिस खुले हो, थोड़ा सा लेट लपेट काम हो, बाकी आज या कल में आपको आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं, वो मिलने चाहिए भी, चाहिए भी भाई, 10 दिन पहले लड़कों को बताना चाहिए, है ना। देखो अभी देखो कि कुछ बच्चे कह रहे थे संदीप 15 को मेरा एग्जाम है ना। एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक इन बराबर 1.51 है, एक पतला लेंस बना है, लेंस के दोनों सतह उत्तल हैं, इसको जल में डुबोया गया है, लेंस व्यवहार करेगा, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखते हैं भाई इस सवाल को कौन कर पाता है, कौन कर पाता है इस सवाल को, बताओ भैया फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ठीक है भैया। 2 घंटे कम से कम चलेगी, है ना, 1 घंटे अभी और क्लास चलेगी आपकी, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है, ठीक है भाई, क्या थक गए हो क्या सभी लोग, बताओ, है ना, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, ऐसे कैसे चलेगा आपका, है ना, बताओ। अब मुझे बताओ, अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा दिया है, क्वेश्चन है कुछ नहीं, देखो क्या पूछा है, एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक कितना है, इतना है बेटा, किसका, हमारा ग्लास का अपवर्तनांक है, ठीक है, और पतला लेंस बना है, बेटा लेंस का अपवर्तनांक है, ग्लास का अपवर्तनांक है, मतलब एनजी कितना दिया है 1.51, ठीक, लेंस की दोनों सतह उत्तल है, इसे जल में डुबोया गया है, मतलब लिक्विड में डुबोया गया है भाई, लिक्विड का अपवर्तनांक कितना है 1.33, मुझे बताओ किसका ज्यादा है, तो लेंस कैसे व्यवहार करे भाई, ग्लास का ज्यादा है भाई, कांच ज्यादा है, कांच को डुबो रहे हैं, है ना, तो अगर हमारे पास ज्यादा पावर है, हमको किसी भी स्थिति में डुबो तो हमारा नेचर नहीं चेंज होगा, हम अपने जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, तो वही याद रखो, तो बेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात यहाँ आती है, बेटा ये पतला लेंस है और दोनों सतह उत्तल है, अब उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, सवाल तो ये आ गया, है ना, सवाल तो ये आ गया भैया, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग, क्या बोलते हैं बच्चा, उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन से कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, समझ पा रहे हो, मैं चाहूं तो करा दूं प्रकीर्णन क्या है, परावर्तन क्या है,
छुटकू छुटकू क्वेश्चन है ना, लेकिन नहीं, हमें आपको कंटेंट देना है, आपको समझाना है चीजें, समझे। अगर बेटा आपसे बात करता है अवतल की, अवतल का मतलब है कॉनकेव की बात करता है, वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग। क्या करता है, डाइवर्जिंग, ये किरणों को फैलाता है, क्या करता है, फैलाता है। देखो भाई क्या था, कन्वर्जिंग रहेगा, अगर ग्लास का ज्यादा है तो नेचर सेम रहेगा, बेटा क्या करेगा, ये एक अभिसारी रेंज की तरह कैसा करेगा, कन्वर्जिंग लेन की तरह बिहेव करेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, बताओ, ठीक है, सभी लेन क्या ऑप्शन ए किया, बहुत अच्छे, अंशनी रोज रिशु है ना, सेम नेचर, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया ना, ऋषभ बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो भैया आगे चले, ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब आ जाओ, उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर पड़ी हाँ वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए, मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी है, आपको ध्यान रखना होगा, क्या लेंस के अगर ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए, ढक कर दिया जाए, तो बेटा जानते हो उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, फोकस दूरी रहेगी अनचेंज, क्या रहेगी, फोकस दूरी हमारी अनचेंज रहेगी, ठीक है, और बेटा जो इंटेंसिटी है वो 3/4 होगी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्या होगा भाई, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी, फोकस दूरी सेम रहेगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बहुत बड़ा सवाल है ये क्वेश्चन, मैंने एक बार है ना, शायद एक आध बार मैंने कराया है, तब बच्चे ने बहुत गड़बड़ी करी थी, आज भी गड़बड़ी करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। देखो क्या पूछा है, F1 फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को F2 फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ संयोजन किया जा रहा है, संयोजन की फोकस दूरी F है, तो संयोजन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, मुझे एक बार बताओ बेटा, दो लेंस को जब जोड़ते हैं तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होती है, आप कहेंगे सर जी F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्या ये फॉर्मूला आपको याद है बच्चों, मुझे बताओ सर जी, अगर ये फॉर्मूला याद है तो कहानी सेट है, लाइफ फिर सेट है। देखो अगर F1 फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, मतलब क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है F1 है, F2 फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है F2 है, मेरी बात को समझते जाना। अगर हम जानते हैं भाई, अगर हम बात करते हैं अवतल की, इंग्लिश वाले सुनते जाएंगे, कॉनकेव की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, हम जानते हैं। बेटा मैं बात करता हूँ उत्तल की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो कि F1 दी गई है, कितनी दी गई है, F1 दी गई है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हम जानते हैं, हमने लेंस के बारे में पढ़ा भाई, फोकस दूरी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव है ना। एक बार समझना, अगर संयोजन मतलब क्या भाई, मैथमेटिक्स लगाओ, यहाँ पे क्या लगाओ, अपनी बेसिक मैथमेटिक्स लगाओ, अगर हमें ये वैल्यू क्या लानी है, ये वैल्यू अगर हमें नेगेटिव लानी है, तो मतलब क्या हमें ये वाली पूरी वैल्यू भी नेगेटिव लानी पड़ेगी, तभी तो बराबर होंगी, बिल्कुल सर जी। अब मेरी बात समझो, अगर मैं नेगेटिव भाई F1 F2 का मतलब क्या है, नेगेटिव नेगेटिव का गुणा करूंगा, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव है, F1 क्या है हमारा पॉजिटिव है, ठीक, F2 क्या है नेगेटिव है, तो भाई ऊपर तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, समझे, तुम ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इधर तो नेगेटिव है, बराबर आ जाएगा तब जब हम नीचे पॉजिटिव कर दें। नीचे पॉजिटिव कब करेंगे, जब हम F1 को क्या मानेंगे, बड़ा मानेंगे, ठीक, और F2 को क्या मानेंगे, हम छोटा मानेंगे। तो क्या अगर हम छोटे में से बड़े में से छोटा घटा देंगे, मतलब क्या F1 हमारा पॉजिटिव है, F1 को क्या मानेंगे, F1 को उत्तल लेंस ले लें और F2 को क्या ले लें, अवतल ले लें, तो अवतल में से अवतल मतलब प्लस में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस में से माइनस कर देंगे, तो हमारा प्लस ही बचेगा, और बटे में प्लस मतलब नेगेटिव नेगेटिव बराबर आएंगे। ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब हम F2 को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक, और हम F1 को मतलब क्या उत्तल को बड़ा मान रहे हैं, उत्तल क्या है हमारा F1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई बताओ, ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ भैया, बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो क्या आपके दिमाग में आचार आ पा रहा है भाई, अगर भाई हम यहाँ पे भाई F2 क्या है अवतल है, तो मतलब क्या हम F1 को उत्तल को बड़ा मानेंगे, समझे, अगर यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या है F1 क्या है, F1 हमारा उत्तल है, ठीक, अगर हम F1 में से नेगेटिव घटा देंगे, ठीक है, F1 माइनस F2 कर देंगे, मतलब क्या हम अगर F1 को बड़ा मानेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा जो पूरा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब कंप्लीट संयोजन हमारा अवतल की तरह व्यवहार करेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, ए ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया भाई, है ना, ए ऑप्शन होगा भाई, मजा आ गया, ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया भाई, अंजनी शाबाश, है ना, ए ऑप्शन विल बी द राइट वन, समझे भाई, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या पूछा है हमसे, देखो अब मुझे बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई ऋषभ, ठीक, देखो एक समतल शीशा पट्टिका विभिन्न रंगों के ऊपर रखी गई है, तो कौन सा रखा सबसे कम उठा दिखाई देगा, देखो सबसे कम उठा कौन सा दिखाई देगा, सबसे कम उठा दिखाई देगा ये, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम प्रकीर्णित होता है, ठीक है, क्या होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो ये क्या करेगा, ये अपवर्तित नहीं होगा, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं,
क्या पूछा है, एक उत्तलेंस वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी होती है 4f के बराबर होगी, याद रखना बेटा। इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है, सभी बच्चे क्या रखेंगे इसको भाई, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे कि 4f के बराबर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, समझे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है भाई, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं, बताओ फटाफट से बताओ। देखो आप सभी एक बार है ना बच्चों को जगा दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, ठीक। प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है, देखो हमें जानते हैं नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, 360 बाई थीटा करके, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था भाई अगर अगर आपका आपको कभी भी भाई हमें अगर सिमेट्री बोले, क्या बोले हमें, बोले सिमेट्री बोले, एंगल बाइसेक्टर बोले, समद्विभाजक बोले, तो हमें इवन नहीं, हमने बताया था ना अगर आपसे बोले, आपसे क्या बोल दे, आपसे सममित बोले, ठीक, सममित बोले, बोल दे भैया मध्य में बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सेंटर में बोल दे, समद्विभाजक पर बोल दे, ठीक, समद्विभाजक ऐसे वर्ड बोले, तो भाई इमेज बनती है हमारी इवन बनती है, क्या बनती है, इवन बनती है। अगर ऐसा कुछ ना बोले तो हमेशा ऑड इवन फॉर्म होंगे, कितनी ऑड, ऑड का मतलब है अगर जो भी वैल्यू आएगी उसे हम घटा देंगे। देखो 360 बाई थीटा, थीटा कितना दिया 40 दिया है, 40 बटे 300 करेंगे 4 नहीं 36 9 आया। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन देखो बोला क्या है बेटा, दो दर्पणों की मध्य की स्थिति बोला, मध्य की स्थिति बोला, मिडिल पोजीशन बोला, तो हमें इवन बनानी पड़ेगी भाई, 9 है तो 9 में से एक माइनस कर देंगे, इवन नहीं आ जाता, तुम्हारा 8 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगर इस सवाल में मध्य की स्थिति ना बोलता तो हम क्या मान लेते, हम 9 आंसर को टिक करते, क्या करते, 9 को टिक करते, समझे। बहुत बढ़िया भाई, आदर्श, मंजू, शिवम, आदर्श, ठीक है, ऋषभ, बहुत अच्छे भाई, नितेश, योगेंद्र, बहुत बढ़िया भाई, है ना, ऑप्शन नंबर बच्चा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो लेंस के मुख्य अक्ष को लंबवत दो भागों में काट दिया जाए, देखो लेंस है ऐसे, मैंने क्या कहा था भाई ऐसे काटेंगे तो भाई फोकस दूरी क्या होगी और बेटा क्या है इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक। अगर बेटा लेंस को ऐसे परपेंडिकुलर कट कर दिया जाए तो बताओ क्या होगी, देखो इस कंडीशन में क्या होगी भाई, फोकस दूरी हमारी कितनी होगी, दो गुना होगी, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, दो गुना, और इंटेंसिटी विल बी सेम, ध्यान रखना। और बेटा अगर समांतर मतलब क्या प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ऐसे तो कट करेंगे तो इंटेंसिटी इसका इस केस में कितनी होगी, इस केस में इंटेंसिटी विल बी हाफ एंड फोकस दूरी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, मतलब क्या सेम रहेगी, सेम रहेगी मतलब क्या बिल्कुल नहीं बदलेगी। आपके कैसे बोला है, लंबवत मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब क्या मुख्य अक्ष ये है, है ना, मुख्य अक्ष है, ऐसे कट कर दिया था तो फोकस दूरी देखो क्या हो रही है, फोकस दूरी में डबल नहीं हो रही है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी डबल हो जाएगी, समझे, समझे भाई, बी होगा बच्चा, डी बी, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, वो क्या है, देखो भैया बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं भाई कौन सा बच्चा सही जवाब देता है, गलती नहीं करना, गलती करने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। देखो यहाँ पे मैं कई चीजें सिखाऊंगा, है ना, कई चीजें आपको सिखाने वाला हूं। अब देखो अगर आपको याद हो मैंने आपको ये बोला था कि अगर फोकस दूरी इन लिक्विड निकालनी है, है ना, फोकस दूरी इन लिक्विड निकालनी है तो मैंने क्या कहा था, एफ एल बटे एफ एयर बराबर क्या एन एल अपॉन में 3 माइनस में क्या 3 माइनस में 2 एन एल कर देंगे, यही हमें करना पड़ेगा। देखो चल भैया अभी देखो हम जानते हैं फोकस दूरी लिक्विड निकालने के लिए हमारे पास एक रामबाण सूत्र है, ठीक। क्या पूछा है, कांच के बने उत्तल लेंस को वायु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जब इसे द्रव में जिसका अपवर्तनांक 30 सेंटीमीटर है डुबो दिया जाता है तो लेंस व्यवहार करेगा। हमने लिक्विड में डुबोया है तो हमें पहले इसकी फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, क्यों जी, तो निकाल लेते हैं हम फोकस दूरी इन लिक्विड निकाल लेते हैं। फोकस दूरी एयर का मल्टीप्लाई, इफ एयर का मल्टीप्लाई कितनी है, फोकस दूरी इन एयर है बेटा कितनी 10 सेंटीमीटर है, 10 गुणे में एन एल, एन एल का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड का अपवर्तनांक, लिक्विड का अपवर्तनांक कितना है 3 है, है ना। देखो द्रव में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3 है तो मैं क्या करूंगा, 3 माइनस में 2 गुणे 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 10 गुणे 3 अपॉन में 3 माइनस 6 माइनस 3, ठीक है, तो हमारी फोकस दूरी लिक्विड कितनी आ गई है, -10 सेंटीमीटर आ गई। तो एक बार मुझे बताओ उस द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आ गई। अरे 30 और 10 बटे 3 का तो सवाल ही नहीं उठता, कैसे कर रहे हो भाई। अब मुझे एक बार बताओ कांच का अपवर्तनांक कितना है, कांच का है जो ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, आप कहेंगे सर जी 1.5। बेटा लिक्विड का अपवर्तनांक कितना है, लिक्विड का अपवर्तनांक है 3, कितना है 3 है। अब बताओ भैया एक ही बताओ, अगर लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा नहीं है, अगर लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा होता तो क्या नेचर चेंज नहीं कर देता, बिल्कुल चेंज कर देता है। तो बेटा यहाँ पे ये कैसा था, ये हमारा था कॉन्वेक्स लेंस था,
तो अब कैसा हो जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कॉनकेव। और कॉनकेव का मतलब है अपसारी। मैंने क्या बताया था, कॉनकेव का मतलब है डाइवर्जिंग। अभी मैंने बताया ना कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग, कॉनवेक्स का मतलब कन्वर्जिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल था, है ना। अगर इस तरह के सवाल मेरे भाई, अगर इस तरह के सवाल तुम लोग जवाब दे रहे हो तो मेरा बात, मेरा भरोसा करो, तुम लोग का लेवल अलग चल रहा है ना। और ये भीड़ का हिस्सा तुम लोग ऑलरेडी तुम दूर जा चुके हो, ऊपर उठ चुके हो भीड़ के हिस्से से, समझे। जो भीड़ के हिस्से से तुम ऑलरेडी ऊपर जा चुके हो। 4 mm 1.5 पटनांग वाली खिड़की के शीशे से प्रकाश की एक किरण पार होने में कितना समय लगेगी। देखो हम जानते हैं, मैंने क्या बताया था, डी बराबर में सी टी अपॉन में एन। ये फॉर्मूला आपको याद है भाई, ये पट्टिका की मोटाई, मतलब किसी पट्टिका में कांच का प्रकाश जाता है तो कितनी मोटाई की पट्टिका है उसके लिए सी प्रकाश का वेग, टी टाइम, एन उस कांच का या उस पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे टी निकालना है, तो टी बराबर मैं क्या कर दूंगा, एन डी अपॉन में सी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। हमें टाइम निकालना है, एन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या है, 1.5 अपवर्तनांक, मतलब कितना है 1.5 दिया है। अपॉन में डी कितना है, 4 mm है, तो मैं 4 × 10⁻³ मीटर कर देता हूँ, ठीक। अपॉन में सी का मान कितना है, 3 × 10⁸ हो जाएगा बेटा। अगर मैं पॉइंट आऊँगा ऐसे जीरो को लाऊंगा, 15 × 15 = 30, 2 से काटूंगा 2 बार, ठीक है। तो 2 × 10⁻¹ −11 आ जाएगा, कितना आएगा, 2 × 10⁻¹ – 11 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, 2 × 10⁻¹ – 11 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, सी आ रहा है, समझ पाए हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है, है ना, ठीक है। चलो भैया बहुत अच्छे, ठीक है, सी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन होगा भाई। कैसे करो, गलती कर रहे हो ना, गलती नहीं करनी, ठीक है। चलो भैया ठीक, समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। पानी में एक हवा का बुलबुला, ध्यान रखना भाई, पानी में हवा का बुलबुला ऑलवेज लाइक अ कॉनकेव लेंस, कैसा, उत्तल लेंस की भांति, कैसा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, कैसे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। कोई दिक्कत बताओ भैया, कैसे बात करेगा, हमारा व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति, समझे, कोई दिक्कत है क्या बताओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तारे का टिमटिमाना कारण है अपवर्तन। देखो अब जो बच्चे कुछ थे ना शुरू शुरू में, उनको इस तरह के सवाल कराते रहो बहुत खुश रहेंगे, है ना, है ना। जो इस तरह के सवाल, जो वन लाइनर टिक कर दो, सर ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये तो बहुत अच्छे सवाल है। अपवर्तन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे, अपवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस की फोकल दूरी किसके लिए मैक्सिमम होगी, बताओ एक बार मुझे बताओ, फोकल दूरी क्या है, फोकल दूरी डिपेंड करती है, ध्यान रखना, इस पर, वेवलेंथ पर, मतलब क्या, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फोकल दूरी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब वेवलेंथ मैक्सिमम किसके लिए, भाई फोकल दूरी मैक्सिमम उसी के लिए होगी जिसके लिए क्या होगी, लेमडा मैक्सिमम होगी। लेमडा मैक्सिमम बोले तो हमारे लाल रंग के लिए, किसके, लाल रंग के लिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, क्यों, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ज्यादा फोकल दूरी होगी उसकी, समझे, ऑप्शन नंबर डी होगा, समझे, समझे। चलो भैया आगे चलते हैं, अगला सवाल आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल है, अपने आप में बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका जवाब दे पाता है। दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, तह संयोजन की फोकल दूरी 80 सेंटीमीटर है, यदि लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता बतानी है। बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन सा बच्चा इस सवाल में गलती नहीं करता है, बढ़िया से जवाब देता है। पावर निकालनी है, देखो भैया अगर संपर्क में रखे हैं तो मुझे एक बार बताओ, हमने क्या पढ़ा, 1/a = 1/f1 + 1/f2 नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, ठीक है। देखो मैं निकालूंगा बेटा क्या, एक की, यदि एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है, एक लेंस की फोकस दूरी है बेटा, दो पतले लेंस है, कितनी है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेटा संयोजन की फोकस दूरी कितनी है, संयोजन की फोकस दूरी देखो यहाँ पे f दिया है, ठीक, हमें f2 निकालना है, तो मैं f2 बराबर क्या, 1/f - 1/f1 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1/f का मतलब क्या है बेटा, संयोजन की फोकस दूरी कितनी, 1/80 माइनस में बेटा एक लेंस की, मतलब f1 दिया है, कितना दिया, f1 दिया है, 1/20 दिया है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, 1/f2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 80 × 80 + 80 माइनस में 20 × 4 = 80, ठीक। तो यहाँ पे देखना f2 बराबर कितना आ गया, आप कहेंगे सर जी 80/3 माइनस में 80/3 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना लेंस की पावर पूछिए, तो मैं क्या पावर बराबर 100/f नहीं जानता हूँ, अरे बिल्कुल जानता हूँ सर जी, तो 100/f का मतलब है माइनस 80 × 3 ऊपर जाएगा, 1 × 0 कटा 10 × 30/8 कितना 30/8, या फिर मैं इसको पावर में लिखूंगा माइनस में, ठीक है, 8 √24 है ना,
और 8 7 56 8 5 40 3.7 द 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, माइनस में आएगा, समझे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। ए कैसे कर रहे हो भाई, ए कैसे कर रहे हो आप? क्या इसी को सॉल्व कर दे रहे हो क्या? नहीं, पावर निकालनी है भाई। ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, है ना, डी होगा बच्चों, समझे। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। 12 आवर की मैराथन लाओ हम, 27 घंटे के, एक दिन में 27 घंटे की मैराथन ले लें, 29 घंटे के ले लें, लेकिन तुम लोग लाइव तो आओ, है ना, लाइव आओ तो मेरा भी मोटिवेशन रहे, है ना, है कि नहीं, है ना। मुझे पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको बहुत बहुत देर तक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने भी कोई ऑब्जेक्टिव हो पढ़ाने का जोश से, है कि नहीं, ठीक है। चलो, एक पर एक अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता बता दो भाई। एक 1.5 अर्थ अपवर्तन समतल उत्तल लेंस की, देखो एक तो है बेसिक तरीका और एक है हमारा रामबाण तरीका जो सर्वथा सर्वगुण संपन्न हर जगह लगने वाला। क्या बेसिक बताऊं फिर बताऊं फॉर्मूला या सीधा तो ऐसे करा दूं? देखो देखो भाई, क्या पूछा है? अपवर्तन समतल उत्तल की वक्रता त्रिज्या, देखो लेंस की क्षमता होगी। देखो हम जानते हैं 1/a बराबर, फार्मूला पढ़ा कि नहीं, n-1/a 1/r1, है ना, माइनस में 1/r2 होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो भाई? फार्मूला होता है लेंस का, अब अपवर्तनांक दिया हो, वक्रता त्रिज्या दी हो, तो फोकल दूरी निकालने का। देखो अगर बेटा समतल उत्तल है, बेटा समतल उत्तल है, एक प्लेन अगर समतल है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? वो होती है हमारी भाई कितनी, R2 का मान अनंत नहीं हो जाएगा? बताओ बताओ भैया, है ना। एक का बेटा एक की वक्रता त्रिज्या, R1 का मान कितना दिया है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो क्षमता निकाल ली है, बताओ भैया फिर जल्दी से बताएंगे कैसे करेंगे। देखो अगर कभी भी मुझे बताओ, ठीक है, देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है? 1/n बराबर 1-1/a बराबर n-1 1/r1 1/r2, ठीक। लेकिन बेटा n-1 का मतलब क्या? 1.5 माइनस 1 इंटू में 1/r1 का मतलब है 1/10, ठीक है, माइनस में 1/∞, है ना, 1/∞ मतलब 0, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू में 1/10, 0 हटाएंगे हमारे पास 0 बढ़ जाएगा, तो f बराबर, देखो यहाँ पे देखो 1/f बराबर निकल रहा है, तो मैं f बराबर निकालूंगा 20 × 100, कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर आ गई। तो पावर निकालेंगे 100/20, मतलब क्या? 5 डायोप्टर आएगी। क्या हमने कोई गड़बड़ कर दिया क्या? कितना आएगा भाई? 5 डायोप्टर, अच्छा आ तो रहा है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो एक तो ये तरीका है बेसिक वाला, अब मैं बताऊंगा भाई रामबाण तरीका। क्या बताएंगे हम लोग? रामबाण तरीका समझेंगे, ठीक है। चलो भैया बी ऑप्शन दे दिया, बिल्कुल सही। अब देखो कहीं भी आपको नोट करना है, सिर्फ क्या नोट करना है भाई? कैसे क्वेश्चन आएंगे देखते ही करना। कभी भी आपसे क्या बोल दे बेटा? आपसे बोल दे समतल उत्तल बोल दे। क्या बोल दे? समतल उत्तल बोल दे या बाई कॉन्वेक्स बोल दे। क्या बोल दे? है ना, नहीं मतलब समतल उत्तल नहीं, क्या बोले? समतल उत्तल बोल दे, ठीक। या आपसे बोले भाई, आपसे बोल दे सम उत्तल। सम उत्तल और समतल उत्तल का मतलब समझ लो, ऐसा समतल उत्तल का मतलब होता है जिसका एक लेंस का पार्ट कैसा हो भाई? एक लेंस का पार्ट ऐसे प्लेन हो और एक लेंस का एक तरफ लेंस हो, है ना। इसका मतलब है बाई, मतलब दोनों तरफ लेंस हो, ठीक। समतल उत्तल बेटा देखो, समतल उत्तल मुझे एक बार देखो, देखने में बड़ा नहीं लिख रहा, देखो ये बड़ा लग रहा, तो फोकल दूरी निकालोगे कैसे? निकालोगे 2 × r कर डायरेक्ट, कैसे? ए बराबर 2r कर बेटा। सम उत्तल देखो देखने में छोटा लग रहा है, तो ए बराबर छोटा आएगा, कितना आएगा? ए बराबर सिर्फ r ही आ जाएगा, समझ पा रहे हो? देखो समतल उत्तल बड़ा, तो ए बराबर 2 × r। सम उत्तल छोटा देखने में लिख रहा है, तुम क्या करेंगे? बराबर r। समतल उत्तल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे लिखा ना क्या, कर्वेचर ऑफ प्लेन कॉन्वेक्स, क्या ये हमारा प्लेन कॉन्वेक्स की बात करेगा? किसकी बात करेगा? प्लेन कॉन्वेक्स की बात करेगा, तो ये लगा देना डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट शॉर्ट एकदम मेथड है। अब देखो अगर आपसे इसकी बात करेगा, किसकी बात करेगा? बाई कॉन्वेक्स की बात करेगा, किसकी बात करेगा? बाई कॉन्वेक्स की बात करेगा, तो आप ये कर देना, समझ पा रहे हो? डायरेक्ट। अब देखो कैसे निकालना, देखो फोकस दूरी इसमें 20 आई, तो आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते, ए बराबर 2 × r 10 × 20, खत्म, समझे। पूरा हमें ध्यान नहीं रखना कि इसका फॉर्मूला क्या, बीच में प्लस क्या, बीच में इस पे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट निकाल के फोकस दूरी निकाल सकते हो, बेस्ट तरीका है ये वाला, समझे। समझ पाए हो कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? ये बात समझ पाए? बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लेन कॉन्वेक्स, है ना बेटा, प्लेन कॉन्वेक्स, ठीक। अब देखो अब हम लोग थोड़ा प्रिज्म के सवाल कर लेते हैं। वो क्या है? हमसे पूछा है 60 डिग्री प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है तब अल्पतम विचलन होती है। विचलन कोण है बताओ डेल एम बराबर 2IA। फटाक से बता दो भैया क्या हो जाएगा, है ना, फटाक से बताएंगे इसका क्या जवाब हो जाएगा, बताओ।
और देखो आप सभी लाइव हो फिर भी लाइक नहीं किया, ये बात गलत है ना, ये बात तो वही हो गई है ना कि क्या कहते हैं उस दिन आपने क्या कहा था, गद्दारी कर रहे, क्या कहा था, कुछ कहा था इसे, है ना। चलो खैर, विचरण कोण पूछा है, देखो डेलम बराबर टू आई, ये सब मत छोड़ो, ये सब मत छोड़ो, देखो ये सब मत देखो, आग बताओ भैया, ठीक है। चलो चलो भैया अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे आप पूछ चुका है कि बताएंगे भैया क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, हमसे क्या पूछा है भैया, बी ऑप्शन बच्चे दे रहे हैं, बहुत अच्छे, देखते हैं भाई, देखो जल्दबाजी मत करो, है ना राजेश शिवम, है ना, जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा सोच के दो। देखो हमसे क्या पूछा भैया, हमसे पूछा है अल्पतम मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, बेटा ये सब ये जो लिखा है इसको गलत ध्यान में मत दो, उससे और डेविएट हो गया। देखो अल्पतम विचलन की दशा में क्या होता है, डेल एम बराबर होता है टू आई माइनस में ए, नहीं होता है बिल्कुल होता है सर जी, टू आई बराबर टू आई माइनस ए या टू इंटू में आई, आपतित किरण कितना है, इंसिडेंट एंगल है 50 डिग्री, दो गुणे 50, बेटा ये आई दिया, कितना दिया ये आई दिया है समझे, ये ए है प्रिज्म एंगल ए, टू आई माइनस ए का मतलब है 60, तो कितना आएगा 50 गुणे 100 माइनस 60 मतलब कितना 40, 100 माइनस 60 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं होगा। अब देखो उदय और अस्त होते समय सूर्य का ताम्र वर्ग कितना बताओ, बेटा क्या है सूर्य सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, बाई स्कैटरिंग आज मॉक में कराया था ना, बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर दिए, स्कैटरिंग की वजह से बाद में जो सूर्य का जो लालिमा दिखाई देती है वो दिखाई देती है स्कैटरिंग के लिए, ठीक है। लॉर्ड रेले के अनुसार, बेटा लॉर्ड रेले के अनुसार इन्होंने जो इंटेंसिटी बताई थी वो क्या बताई थी, लैम्डा टू प्रोपोर्शनल में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लैम्डा टू पावर 4, तो कौन सा हो जाएगा चतुर्थ घात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल द फोर्थ पावर्स ऑफ वेवलेंथ, समझे, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं रफ्तार सीरीज में, ठीक है रफ्तार में बढ़ते हैं भैया। देखो अल्पतम विचलन कोण होगा, देखो अल्पतम विचलन कोण क्या, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है डेल एम बराबर में आई टू आई प्लस ए, ठीक है डेल एम बराबर में कितना होता है टू आई माइनस ए, है ना टू आई माइनस ए होता है कि नहीं। चलो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे एक चीज और दी है, समबाहु त्रिभुज दिया है ना, और अल्पतम विचलन की स्थिति में बोला है आपतन कोण मतलब क्या इंसिडेंट एंगल है वो क्या है प्रिज्म का, मतलब प्रिज्म एंगल का 4/5 है, वो क्या है 4/5 ऑफ ए है, ठीक है। तो हमसे पूछा है विचलन कोण का, मैं बता दूं, बताओ भैया हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम आई बराबर, हम देखो आई बराबर क्या 2 इंटू में 4/5 ए लिख सकते हैं बिल्कुल माइनस ए, ठीक है। अब देखो 4 दुनी 8, 8 माइनस 5 कितना आएगा 3/5 ए आएगा, कितना आएगा 3/5 ए। और एक बार समझना बेटा प्रिज्म कोण, अब भाई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसमें एंगल हर एंगल कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 60 डिग्री होता है, तो हम प्रिज्म कोण 60 डिग्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया 60 डिग्री ले लिया, 12 से काटा 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बच्चों डी ऑप्शन है। बहुत बड़ा सवाल था, क्या आप लोग कर पाए हो, ठीक है बेटा डी होगा, ठीक है। चलो भैया ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चा, डी होगा समझे, 36 आएगा आदर्श, है ना 36 आएगा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। चलो बेटा क्या है प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है, बेटा जो डेलम का मान होता है वो निर्भर करता है बेटा किस पर, प्रिज्म एंगल पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है प्रिज्म एंगल पर, एंड वो डिपेंड करता है हमारे इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, तो कौन सा ऑप्शन आएगा ऑन प्रिज्म एंगल, एंड किस पर प्रिज्म एंगल और बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा भाई बी होगा, समझे भाई बी होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन। चलो भैया आगे चलते हैं, देखो इंद्रधनुष के बारे में क्या, देखो अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा रेनबो के बारे में बता दूं, देखो आपसे मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, मैं आपसे बात करता हूं रेनबो के बारे में, रेनबो से क्वेश्चन बना तो यही से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, बात करता हूं। देखो रेनबो के बारे में बात करते हैं, देखो रेनबो एक तो होता है भाई हमारा क्या होता है प्रारंभिक होता है, ठीक है प्राथमिक, ठीक है प्राथमिक का मतलब है प्राइमरी, ठीक है इसका मतलब है प्राइमरी रेनबो, किसका, इसका मतलब है प्राइमरी रेनबो, थोड़ा पेशेंस के साथ मेरी बात सुनते जाएंगे, एक हमारा बनेगा सेकेंडरी रेनबो, ठीक है दो टाइप के रेनबो बनते हैं, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी, समझे, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है भाई। चलो बेटा क्या होता है, बेटा आपसे ये पूछ ले, आपसे सिर्फ पूछे भैया इंद्रधनुष किससे बनता है, आप कह देंगे सर जी प्रकीर्णन से, ठीक है प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण मतलब क्या कलर डिस्पर्जन, क्या भैया कलर डिस्पर्जन,
एंड बेटा क्या आपसे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन भाई, अगर अपवर्तन देखो कई बार क्या होता है इन चार चीजों में से तीन दे देगा, है ना, एक मिस कर देगा, तो आप इनमें से एक तीन चीजें जरूर पूछेगा, दो या तीन चीजें, तो आप देख लेंगे। देखो बेटा प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है भाई, हमारी लाल रंग की पट्टी, लाल पट्टी क्या होती है, बाहर होती, मेरी बात समझना, लाल पट्टी क्या होती है, बाहर होती है, और बेटा बैंगनी क्या होती है, अंदर होती, बैंगनी पट्टी अंदर होती है, ध्यान रखना, ठीक। और देखो इसमें क्या होता है भाई, एक बार बेटा क्या होता है, एक बार वर्ण विक्षेपण, मतलब क्या, कलर डिस्पर्जन कितने बार होता है, एक बार होता है, ठीक। एक बार बेटा क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है, एक बार अपवर्तन होता है, और एक बार ही बेटा दो बार, है ना, दो बार क्या होता है, TIR, मतलब क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या कोई बच्चा जवाब दे पाया कि नहीं भाई, तुम लोग यार शेयर नहीं करते ना, ये बात नहीं मजा आती है ना, ये बात देखकर नहीं मजा आती है भाई, और सब ठीक, चलो भैया ठीक है। देखिये दो बार अपवर्तन, तीन बार, ठीक, यहाँ पे देखो एक बार वर्ण विक्षेपण, और एक बार देखो वर्ण विक्षेपण मतलब कलर डिस्पर्जन, और ये दो बार अपवर्तन होता है, क्या अपवर्तन होता है दो बार, और TIR होता है इसमें प्राइमरी में एक बार, समझिए। अगर द्वितीय में क्या होता है भाई, बैंगनी पट्टी बाहर होती, बैंगनी पट्टी क्या होती है, बाहर होती है, अगर बैंगनी पट्टी बाहर है तो ऑब्वियस सी बात है लाल वाली अंदर होगी, विवग्योर से देख लो, है ना। और क्या होता है इसमें दो बार क्या होता है, TIR होता है, और दो बार क्या होता है, दो बार अपवर्तन होता है, क्या होता है, दो बार अपवर्तन होता है, और एक बार ही क्या होता है, वर्ण विक्षेपण मतलब क्या, कलर डिस्पर्जन होता है। समझ पा रहे हो नहीं, समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है, ये बातें हो गई। अब आगे चलते सवाल पे, सवाल क्या बोला है, कौन सा कथन गलत है भाई बताओ। देखो हम जानते हैं कौन सा कथन गलत है, फटाक से बता दो भाई, देख के बताओ भैया, ठीक है। चलो भाई नेट उड़ गया है, अच्छा भैया नेट उड़ गया तो कोई बात नहीं, चलो भैया देखो मैं आपसे बात करता हूँ। देखो कोई प्रेक्षक, देखो सारे स्टेटमेंट सारे ही क्या हैं, ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं बच्चों, ट्रू हैं, और कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष को तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है, ऐसी कोई बात नहीं भैया, सूर्य जब दूसरी दिशा में होगा तभी तुम देख पाओगे, सूर्य सामने तो इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा, समझे। बाकी स्टेटमेंट जो हमने चीज़ें दिखाई हैं उन्हीं पर बेच हैं, पाए तो पढ़ सकते हैं। चलो भैया आगे चलते हैं, यंग के दूसरे प्रयोग में यदि स्लेटों के बीच का अंतराल आधा कर दें और नियत तरंगदैर्ध्य और पर्दे के स्लेट के बीच की दूरी के लिए बताओ। हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कैपिटल डी लेमडा अपॉन में स्मॉल डी, है ना, W बराबर क्या होता है, कैपिटल डी लेमडा अपॉन में स्मॉल डी होता है, ठीक है। तो पूछा है फ्रिंज चौड़ाई पूछिए, क्या पूछा है, यदि स्लेटों के बीच का अंतराल, स्लेटों के बीच का अंतराल क्या कर दें, आधा कर दें, स्मॉल डी बाई टू कर दें, और नियत तरंगदैर्ध्य मतलब तरंगदैर्ध्य वह पर्दे और स्लेटों के बीच की दूरी मतलब ये और ये कांस्टेंट, तो दो प्लेट के ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, दो गुना नहीं हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चा, दो गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन, समझे, किसी ने ए के अलावा कुछ दिया क्या, ठीक है भैया ए ऑप्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं, अब देखो यंग के दूसरे प्रयोग में व्यतिकरण के लिए स्लेटों के बीच की दूरी तीन गुना कर दे, मतलब क्या, W बराबर क्या होता है, हमारा होता है कैपिटल डी लेमडा अपॉन में स्मॉल डी, है ना बेटा। स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी के बीच क्या कहते हैं भाई, स्लिटों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल डी। अगर इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं तीन गुना, क्या कर दे, तीन गुना, देखो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 1/3 गुना, कितनी हो जाएगी 1/3 गुना, का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। चलो भैया आगे देखो, यंग के दूसरे प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई कितनी है, 0.54 mm है, यदि पूरे प्रण को 4/3 अपवर्तनांक वाले ड्रम में डुबो दें, ठीक है। चलो बताओ भैया, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी, बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा इसको कर पाता है, ठीक है, फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलो देखो क्या पूछा है, हमें पूछा है अपकरण वाले, मैंने क्या बताया था आपको, बताया था ना, अगर कभी भी फ्रिंज विथ इन एनी मीडियम पूछे तो आप क्या कहेंगे, फ्रिंज विथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो, भैया फ्रिंज विथ वायु में कितनी है, 0.4 है ना, फिर क्या बोला है, अगर उसको उपकरण को 4/3 वाले अपवर्तनांक वाले, तो हम क्या कर देंगे, 4/3 वाले में डुबो दे, कोई दिक्कत नहीं, 4 से काटेंगे 0.1 into 3.3 कितना आएगा, 0.3 mm, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो ठीक है, यंग के दूसरे प्रयोग को एक पारदर्शी माध्यम में रखा, बक्से में रखा है, ठीक है, पारदर्शी बग्घे में, यदि बक्से को निर्वातित कर दें, एक बार मुझे बताओ, W डिपेंड करती है लेमडा पर बेटा, अगर निर्वातित करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे, तो वेवलेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी, वेवलेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी भाई, किसी मीडियम में जाते हैं, पानी में जाएंगे, वायु से पानी में जाएंगे, तो वेवलेंथ कम होती है, अगर वैक्यूम करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, है ना,
वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे चलें, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। चलो ठीक सर, फ्रिंज वाला आप नहीं पढ़ाओगे? भाई पढ़ाएंगे यार, पढ़ा ही तो रहे भाई। अगर आप कहो तो यार कंसेप्ट पढ़ा दूं, है ना। अभी देखो आप एग्जाम टाइम है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, है ना। चलिए ठीक, चलो आगे चलें, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है? चलो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है, बताएंगे, ठीक है। ये भी सवाल अपने आप में अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है। देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है यंग के डिजिटल प्रयोग में सोडियम लैंप को नीले प्रकाश में परिवर्तित कर दिया। मेरी बात समझना बेटा, जो सोडियम लैंप होता है वो कैसा प्रकाश प्रदर्शित करता है? आप कहेंगे सर सोडियम लैंप से हमारा येलो लाइट, कैसी हमारी येलो लाइट, पीला प्रकाश, पीला प्रसाद एग्जिबिट होता है, पीला प्रकाश निकलता है, ठीक है। अब क्या पूछे, नीले प्रकाश में मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, पीले प्रकाश से, पीले से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नीले की ओर, नीले प्रकाश की ओर जा रहे हैं, ठीक। और हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ पूछी है, देखो फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है लेमडा पर, किस पर डिपेंड करती है, लेमडा पर डिपेंड करती है। अब मुझे एक बार बताओ फ्रिंज विड्थ लेमडा पर डिपेंड करेगी, हम पीले से लेमडा की ओर जाएंगे, भाई विब की ओर पढ़ा कि नहीं आपने, क्या वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, मेरी बात को फिर सुनना भाई। हम जानते हैं वायलेट से रेड जाने पर वेवलेंथ क्या करती है, बढ़ती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। अगर हम पीले से येलो से हम देखेंगे किधर की ओर, ब्लू की ओर, तो भाई वेवलेंथ इधर से इधर बढ़ेगी तो इधर से इधर कम होगी, येलो टू ब्लू क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी, तो हमारी वेवलेंथ क्या हो रही बच्चों, कम हो रही है। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, घट जाएगी, हल्की पड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगी हमारी बी, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई कम होगी, सॉरी फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी, फ्रिंज चौड़ाई कम होगी, फ्रिंज चौड़ाई कहाँ है, फ्रिंज चौड़ाई कम होगी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। पीडीएफ एप्लीकेशन पर जोर डरवा देंगे, अरे भाई संदीप इसमें रिक्वेस्ट करने वाली क्या बात, पीडीएफ एप्लीकेशन में पड़ेगी ही आपके लिए, है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे पीडीएफ पड़ जाएगी, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दो कला संबंध स्रोतों के मध्य समान तीव्रता वाले दो प्रकाश, है ना, प्रकाश तरंगी व्यतिकरण करती है, आदित फ्रिंज की तीव्रता शून्य है, तो दीप्त फ्रिंज की तीव्रता बतानी है, बहुत बढ़िया भाई, है ना, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाता है, ठीक है। फटाक से बताएंगे भाई क्या हो जाएगा, तेजी से सभी बच्चे बताएंगे इसकी क्या हो जाएगी, ठीक है। देखो हम जानते हैं, बिल्कुल भाई पड़ जाएगी पीडीएफ, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्या हो, ठीक। चलो देखो हम जानते हैं भाई दीप फ्रिंज की तीव्रता बतानी है, क्या बतानी है, आई बराबर में, देखो तीव्रता का सूत्र क्या होता है, आई वन प्लस आई टू और प्लस में टू अंडर रूट में आई वन आई टू कॉस थीटा, क्या आई वन आई टू कॉस थीटा, ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो आई वन का मान क्या है, दो कला संबंध स्रोत है, मतलब क्या है भाई उनपे क्या है, वेवलेंथ क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक। एक क्या भाई समान तीव्रता आई की, मतलब क्या समान तीव्रता आई का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आई वन का मतलब भी आई है और आई टू का मतलब भी आई है, तो आई वन आई टू बराबर क्या है, आई है। प्रकाश तरंगे व्यतिकरण करती हैं, तो अदीप फ्रिंज की तीव्रता शून्य है, तो अदीप फ्रिंज की तीव्रता से मैं मतलब नहीं, दीप फ्रिंज की तीव्रता निकालनी है, तो शून्य का मतलब है कॉस फाइव बराबर जीरो, तो आई टू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई, है ना, प्लस में टू आई, आई का मतलब आई स्क्वायर जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा, आई आई टू आई, मतलब कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ के देखेंगे फोर आई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे, ऑप्शन नंबर ए किसी ने दिया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, है ना, क्योंकि भाई हमें क्या आदि फ्रिंज की तीव्रता शून्य है, मतलब फाइव जीरो हमें, और उससे मतलब नहीं, हमें निकालनी है दीप फ्रिंज के लिए, समझे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलें, चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देखो तृतीय क्रम में आदित फ्रिंज पर दो व्यतिकरण तरंगों के बीच पथांतर, देखो भाई मैंने आपको वेव पथांतर के बारे में, व्यतिकरण के बारे में काफी चीजें पढ़ा रखी है, तो उनको देखते हैं, है ना, उनको देखते हैं कैसे करेंगे, अब इस पे बात करते हैं, ठीक। चलो फटाक से बता दो इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है, फटाक से सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया सभी लोग इसका जवाब बताएंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा, चलो देख फटाक से बताओ भैया, है ना, ठीक है। चलो भैया ये भाई एडमिट कार्ड वाली मजाक बंद करिए, है ना, ये एडमिट कार्ड वाला, देखो अदित प्रिंस में अगर पठानतर बोलेगा, हम जानते हैं
डेल बराबर कितना होता है 2n-1 इनटू में लिम्डा बाय 2 होता है, मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे। अब देखना हमें निकालना है तृतीय क्रम में, थर्ड ऑर्डर में निकालना है, मतलब इनका मान 3 रखेंगे, 2 × 3 कितना आएगा 6 − 1 लिम्डा बाय 2 मतलब क्या 5 लिम्डा बाय 2 नहीं आएगा, कितना आएगा 5 लिम्डा बाय 2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, समझे। चलो भैया आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो भैया अब देखो हमसे पूछा है ये क्वेश्चन, बताओ एक व्यक्ति 2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, +2 डायोप्टर क्षमता का, उसको दृश्य जोर से बताओ। हम जानते हैं देखो अगर फोकस, हम जानते हैं ऐसे फोकस दूरी निकाल दें, ठीक है, +2 डायोप्टर क्षमता का पावर का अगर अगर कोई भी स्पेक यूज कर रहा है तो बताएंगे भाई क्या हो जाएगा, फटाफट से जल्दी से बता देंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो भाई अब देखो, अब हम जानते हैं, ठीक है, देखो मैं जानता हूं, मेरी बात समझना, ठीक है, क्या है भाई 2 डायोप्टर चश्मा प्रयोग करता है, कितना +2 डायोप्टर का, अगर पावर पॉजिटिव है तो भाई फोकल दूरी पॉजिटिव होगी, और फोकल दूरी पॉजिटिव किसकी होती है, आप कहेंगे सर जी उत्तल लेंस की, किसकी, आप कहेंगे सर जी कॉन्वेक्स लेंस की, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, और कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज होता है, आप कहेंगे सर जी दूरदृष्टि दोष में, किसमें, दूरदृष्टि दोष में, किसमें भैया, हम इसको यूज करते हैं दूरदृष्टि दोष में। ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, कम क्या आएगा बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। दूरदृष्टि दोष के कारण देखो भाई दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, हमारी जो रेटिना है बेटा, ये क्या है हमारी रेटिना, मान लेते हैं ना, इसे ऐसी तो होती नहीं, हमने मान लिया, ठीक, यहाँ पे क्या लगा होता है, नेत्र लेंस लगा होता है, ठीक। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है भाई, जो हमारी किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं, वो रेटिना से पीछे मिलने लगती है, क्या मिलने लगती है, पीछे मिलने लगती है, इसीलिए हम यूज करते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस, क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, वो क्या करता है किरणों को फोकस कर देता है रेटिना पर, तो क्या करती है रेटिना के पीछे बनने लगती है ना, पीछे बनती है, तभी तो हम लगाते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, इससे क्या करता है किरणों को केंद्रित कर देता है, समझे भाई, समझे कि नहीं, सभी लोग समझ पाए कि नहीं, ठीक है, सभी लोग समझ पाए कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, चले आगे। चलो भैया सभी लोग समझ पाए, आगे चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन बात करते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देखो हमसे पूछा है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, हम जानते हैं रिजॉल्विंग पावर आप किसकी, दूरदर्शी की, मैंने आपको बता रखी है, वो डिपेंड करती है किस पर बेटा, द्वारक के व्यास पर, डी पर डिपेंड करती है बेटा। आपसे मैं पूछूं सूक्ष्मदर्शी की, तो आप क्या कहेंगे बेटा, माइक्रोस्कोप की जो होगी वो रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करेगी किस पर, 1/λ पर, किस मीडियम पे आप कर रहे हैं प्रयोग, है ना, तो बेटा रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड करेगी, अभिदृश्यक के द्वारक पर, ऑन द माउंट ऑफ द, ऑन बेटा क्या है, ऑन द डायमीटर, क्या बेटा, ऑन द डायमीटर ऑफ द, बेटा क्या है, जो हमारा आई की साइड लगा रहेगा, लेंस लगा रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, समझे। चलो भैया आगे चले, आगे चलते हैं। जिस घटना में प्रकाश तरंगे प्रकृति रूप से निर्विवाद सिद्ध होती हैं कि वो भाई कैसी हैं, हमारी है ट्रांसवर्स वेव, है ना, अनुप्रस्थ तरंग, वो क्या है भाई, हमारा ध्रुवण है, पोलराइजेशन के थ्रू हम बिल्कुल कंफर्म बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ हैं, समझे भाई, समझे, समझ पाए कि नहीं, समझ पाए। चलो भैया आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं आपको। चलो भैया, चलो भैया देखो अब बताओ व्यतिकरण की घटना किस में हो सकती है, देखो द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस अकर्स ओनली, बताओ बताओ भैया जल्दी से बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, सभी लोग बताएंगे किस में हो सकती हैं, बताओ फटाफट से बताएंगे किस में हो सकती हैं। देखो हम जानते हैं भाई बेटा ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों में हो सकती है, किसमें बेटा, अनुप्रस्थ में भी और अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में भी, बताओ भैया जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया किस में हो सकती है, ठीक है, किसमें हो सकती है, दोनों में हो सकती है, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं, बताओ भैया फटाक से बता दो भैया किसमें हो सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सभी तरंगों में, अनुप्रस्थ में भी और अनुदैर्ध्य में भी, है ना, समझे भाई, समझे कि नहीं समझे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलो भैया चलो आप ये बताइए, चलो भैया चलो प्रकाश के विद्युत चिंगलन को, हाँ ये बताओ, चलो कुछ ये क्वेश्चन बताओ। देखो साबुन के बुलबुले को श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देता है, इस घटना के लिए क्या होता, बताओ इस घटना के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे क्या जरूरी है। देखो इसके लिए क्या है भाई, इसके लिए हमारा देखो देखो हाँ ये क्वेश्चन पहले करो, पहले ये वाला क्वेश्चन करो, 2-3 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे प्रकाश के ध्रुव स्रोत को कला संबंध कहा जाएगा, कब इनको हम बोलेंगे कि सेम फेज में है, बताओ फटाक से,
जल्दी से बता दो भैया सेम फेज में कब हम कहे जाएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कब फेज में कहेंगे, बताओ भैया। जब बेटा क्या हो, वेवलेंथ समान हो और बेटा फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन, समझे। अब आ जाओ भैया क्या कहेंगे, प्रकाश में रंगीन दिखाई देगी घटना व्यतिकरण होगी, क्या होगी, इंटरफेरेंस होगी, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। आगे चलते हैं, अगला क्या है, जल की सतह पर पड़ी हुई किसकी वजह से सूर्य के प्रकाश में चमकीन दिखाई देती है, व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे। आगे आ जाओ, किसी वस्तु पर आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है भाई, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो भाई। हमारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा रियल और उल्टा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन। चलो आगे चलो, प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलने के कौन से जिम्मेदार है, बताओ प्रकाश को विद्युत सिग्नल में कौन चेंज करता है, आप कहेंगे सर जी रेटिना चेंज करता है, क्या चेंज करता है, रेटिना चेंज करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आज के लिए आपकी क्लास को है ना, आज की कहानी को भाई यहाँ तक रखें है ना, ठीक है, क्योंकि आप लोग भाई शेयर वेयर नहीं करते है ना, ठीक है, और आपको देखोगे भाई कम से कम 60 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए है ना, उम्मीद करता हूँ क्लास बढ़िया लगी होगी है ना, 60 से अधिक क्वेश्चन करा दिए। कल हम लोग वेव एंड साउंड के कुछ बहुत शानदार से 60-65 क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। तो आज आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, और बाकी मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।